गुड इवनिंग एवरी वन एम आई ऑडिबल एंड विजबल एक बार बताइए सभी लोग वॉइस प्रॉपर है क्या एवरीथिंग क्लियर एक बार सबके नाम पढ़ देते हैं शिवम सिंह ऋचा सक्सेना मधुरानी नंदिनी सुब्रश्मिता साहू हीना बायोलॉजी रुचि सिंह अभिषेक कुमार के पी भास्कर आशीष सिंह रच, रचना तसवंसारी बताइए वॉइस प्रॉपर है विजिबिलिटी ठीक है विजिबिलिटी ठीक है कोई दिक्कत वाइस प्रॉपर है ना तो देखिए क्योंकि उड़ीसा वालों का एग्ज़ाम है अट्ठारह को तो उनका एक पेपर याद रखना एक पेपर डिस्कशन कराया हुआ है दूसरे वाले चैनल पे 2022 वाला 2022 का पेपर हमने डिस्कशन कराया हुआ है ठीक थी, है उसका लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करा दिया जाएगा ठीक है या फिर आप ओ ए वी एस पी जी टी टू करके मेरे नाम से डालेंगे तो वो पेपर आ जाएगा तो 18 को एग्जामिनेशन है इनका तो इनका एक और पेपर डिस्कस करा देते हैं ताकि इन लोगों का भी जो आ, जो नर्वसनेस है वो थोड़ा सा कम हो ठीक है 18 को एग्जामिनेशन है इनका तो उसके लिए ऑल द बेस्ट अभी से बस अच्छा पढ़ा है आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है बस अच्छे से एग्जामिनेशन देना है और हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट आएगा आपका जिस हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है और सारी चीज़ें हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट आएगा ठीक है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बताइए सभी लोग चलें स्टार्ट करें सेशन को कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेंगे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा Uh, बहुत सिंपल मिलेंगे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट फॉर द रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए है ना डीएनए रेप्लीकेशन से पहला क्वेश्चन है डीएनए रेप्लीकेशन में आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक डीएनए हैज मेनी रेप्लिकॉन पहला ही गलत हो गया क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए स्मॉल होता है ठीक है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ठीक है और हमने आपको बताया था कि यहां पे ये मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं कैसे होते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं केवल एक रेप्लिकेशन uh, यूनिट बनता है इसमें तो ये मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं डन है सभी को हाँ तो ये कैसे होते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं बाकी सारी चीजें आप पढ़ेंगे डी एन ए पॉल थ्री हैज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी ठीक है इसको हम थ्री टू फाइव प्राइम एक्जोन्यूक्लियस को प्रूफ रीडिंग के नाम से जानते हैं आपको पढ़ाया है थ्री टू फाइव एक्जोन्यूक्लियस को प्रूफ रीडिंग कहते हैं डीएनए पॉल टू हैज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड ये भी सही है डीएनए पॉल वन हैज़ फाइव टू थ्री एक्जोन्यूक्लियस जिसको हम प्राइमर रिमूवल के नाम से भी जानते हैं फाइव टू थ्री एक्जोन्यूक्लियस को किसके नाम से जानते हैं प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी और आप याद रखिएगा कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी बस और बस डीएनए पॉल वन के पास होता है ओनली डी एन ए पॉल वन हैज़ द एबिलिटी टू रिमूव द प्राइमर और ये क्या है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्जोन्यूक्लियज एक्टिविटी को ही प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी कहा जाता है है ना और हमने आपको कहा था डी एन ए पॉल वन को हम लोग कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से जानते दिस इज़ वेरी वेरी आई एम पी इसको हम कोर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं इसमें दो फ्रेगमेंट होता है क्लीन आउ फ्रेगमेंट भी होता है तो अगर कभी आपसे क्लीनाउ फ्रेगमेंट पूछा जाए तो आपको ये भी याद होना चाहिए ठीक ओके डन है तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड एंड द जिब्रेलिन आपको जब हम फाइटो हॉर्मोन्स पढ़ाए थे तो हमने बताया था इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है दैट इज़ वॉर द ट्रिप्टोफेन है ना और जिब्रेलिन का प्रिकर्सर क्या है एस्टिल कोंजाइम ए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आ, जो ऑक्सीडेटिव डी या लिंक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है लिंक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है है ना एक्ट एज प्रसर ऑफ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए है ना तो लिंक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट लिंक रिएक्शन क्या है आप सभी को पता है ऑक्सीडेटिव डी या गेटवे पाथवे को कहते हैं और गेटवे वे पाथवे में क्या पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है एसेटिल को ए में है ना एसिटिल को ए में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक एन ए डी प्लस से एक एन ए डी एच टू का फॉर्मेशन होता है साथ ही साथ यहाँ पे पायुर्वेद डिहाइड्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स लगता है ये याद रखना पायुर्वेद डीहाइड्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स में ये हमने मेनी को फैक्टर बताए थे टी पी पी ठीक है एम जी प्लस टू ओके एम और इसके अलावा हमने और क्या बताया था आ, जो <coughs> पायरेडॉक्शिन फॉस्फेट ऐसे कुछ बताया था तो बहुत सारे कोफैक्टर यहाँ पे लगते हैं डन बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट किस किसके लिए जो है प्रिकर्सर का काम करता है तो जिब्रेलिक एसिड के लिए प्रिकर्सर का काम करता है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ये हमने क्वेश्चन कई बार सॉल्व करा रखा है ई टी एस और आपको याद हो तो ये अभी नीट का जब हम पेपर आपको सॉल्व करा रहे थे देखिए, हम आपको ऐसा बना देंगे है ना क्योंकि बार बार हम आपसे कहते हैं कि चाहे वो नीट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे वो आपका एल हो जे आई हो टी हो पी हो किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो हमने आपको ऐसा बनाना है कि आप ये बात सोचो कि अरे ये नीट में पूछा देखो नीट में क्वेश्चन आया हुआ था तो आपके यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन हमने बताया था एक्सप्रेस सिक्वेंटेक्स जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे तो तो ये किसके लिए है भाई जीन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए तो सीधे सीधे यहाँ पे जीनोम नाम दिया हुआ है आइडेंटिफाई जीन इन द जीनोम है ना आइडेंटिफाई जीन इन द जीनोम्स तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैम प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन अब आपको कैम प्लांट के बारे में क्या बताया था इसके स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होते हैं रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं अरे रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ओपन होते हैं नाइट के दौरान है ना और दिन में स्टोमेटा खुलते हैं दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं ठीक है तो दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं क्या है आप बताओ यहाँ सेल्स इन द टिश्यू डू नॉट कंटेन वैक्यूल ये तो गलत बात है वैक्यूल तो होगा ही होगा स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम ये भी गलत है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम बताओ जल्दी से सीधी सी बात है रात में कार्बन डाइऑक्साइड आया था तो उसने पीपी -पी से जो है रिएक्शन करके ऑक्जोलेस्टिक एसिड बनाया था ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था और ये वैक्यूल में जाके मैलिक एसिड रात में स्टोर हो गया था इसको हम डार्क एसिडिफिकेशन कह रहे थे डार्क एसिडिफिकेशन कह रहे थे कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तो ठीक है दिन में जब पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा था तो उस दौरान क्या हुआ था उस दौरान ये आ, मैलिक एसिड यहाँ से निकला इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया ये वापस से अपना और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके शुगर बना लिया है ना केल्विन साइकिल तो स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम है ना तो इसको हमने लाइट डी एसिडिफिकेशन कहा था लाइट डी एसिडिफिकेशन कहा था है ना डे टाइम के दौरान कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज बढ़ता है दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है ना हम बताओ आप तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कब बढ़ता है ड्यूरिंग डे टाइम ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रियट इज नॉट टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द मिनरल सोर्स कौन सा न्यूट्रिय प्लांट मिनरल सोर्स से नहीं लेता कार्बन देखो हमने आपको बताया था कि कार्बन डे अध कार्बन है है ना और हाइड्रोजन है ये एटमोसफियर से लिए जाते हैं कहाँ से लिए जाते हैं एटमोसफियर से ये तीन ऐसे मिनरल सोर्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कहा से लिए जाते हैं एटमोस्फेयरिक सोर्स एंड वाटर सोर्स से लिए जाते हैं बाकी पोटासियम तो लिया जाता है नाइट्रोजन क्लोराइड जो ये कार्बन सोर्स है इसको मिनरल सोर्स से नहीं लिया जाता ये एटमोस्फेरिक सोर्स या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके से आता है है ना कार्बन का सोर्स प्लांट के लिए क्या है एटमोस्फेयरिक सोर्स है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज एक्सप्लेन बाई देखो डीएनए रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म को किसने एक्सप्लेन किया था तो आप बताइए यहाँ पे द मोली एच जे मुलर ने नहीं जॉन कैर एक्सपेरिमेंट नहीं ठीक है टेलर ने नहीं रॉबिन हॉलिडे ने किया था किसने किया था रॉबिन हॉलिडे ने तुरंत अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता है किसी को भी एनी स्टूडेंट वो नोट जरूर कर लीजिएगा डीएनए एन री क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने एक्सप्लेन किया था रॉबिन हॉलिडे ने है ना रॉबिन हॉली डे ने 1964 में ठीक हमने नोट इसलिए किया कि आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे लापरवाही नहीं करेंगे ठीक चलिए द एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लासेंटा तो कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है अब इसको आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये तो सार्वभौमिक क्वेश्चन हो गया यूनिवर्सल क्वेश्चन है है ना तो आप जानते हैं आई जी जी है ना आई जी जी कंसंट्रेशन बार बार हमने बताया है आपको कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बेसिस पे अब हम हर बार हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि कोई भी नया स्टूडेंट देख रहा हो तो उसको एटलीस्ट नई इन्फॉर्मेशन मिले कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बेसिस पे हमने कहा था गम दे से याद रखना है ना किसका कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है ठीक जी फिर ए फिर एम फिर डी फिर ई e. और मोलिक्युलर वेट के बेसिस पे माई डी से याद रखना है ना किसका मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है एम फिर ए फिर ई e, फिर डी फिर जी ये बताया था हमने ये भी बताया था कि आई जी जी आई जी जी में भी आई जी वन है ना आई जी जी टू आई जी जी थ्री इसमें से भी कौन प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाता अब देखो थोड़ा सा आ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईजीजी क्लास का जो एंटीबॉडी है वो तो प्लासेंटा क्रॉस करता है लेकिन इसमें भी आईजीजी का कौन सा जो मॉलिक्यूल है जो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाता आईजीजी वन आईजीजी जी टू या आईजीजी जी थ्री जल्दी बताइए आई जी जी टू वेरी गुड हमने कहा था देखो अब आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आई जी जी प्लासेंटा क्रॉस करता है तो कौन सा आई जी जी प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाता तो आई जी जी टू कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा ठीक है इसी आई जी जी एंटीबॉडी क्लास आई जी जी क्लास का जो है मेंबर है आर एच फैक्टर ये भी हमने आपको बताया था जो आर एच फैक्टर होते हैं एंटी आर एच जो एंटी आर एच फैक्टर होते हैं एंटी टी आर एच मतलब आर एच फैक्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनते हैं या आर एच एंटीबॉडी लिख लो ना इस तरीके से आर एच एंटीबॉडी जो है जो फीटस मदर में फीटस के अगेंस्ट मदर में बनते हैं वो इसी आईजीजी क्लास का होता है तभी तो आर एच एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है आर एच एंटीबॉडी भी आईजीजी फ़ैमिली का है इसी क्लास का है इसीलिए ये भी प्लासेंटा क्रॉस कर ले जाता है सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर कौन सा डिसऑर्डर होता है हमने आपको बताया था डिसऑर्डर का नाम एक बार बताएंगे। डिसऑर्डर का नाम हमने बताया था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस है ना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस हो जाता है या इसी को एच डी एन कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है ना डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न डन है आप हमें बताना कि Erythroblastosis fetalis किस केस में होता है किस केस में होता है जब मदर आर्यच नेगेटिव एक ही केस है और फिटस आर्यच पॉजिटिव हो ठीक है इसी केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस हो सकता है चलिए आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइनियर स्पीसीज इन जिरार्क सक्सेशन जिराक सक्सेशन का पोइनियर स्पीसीज कौन है तो लाइकेन है कौन है भाई लाइकेन है लाइकेन एंड मॉसेस है ना लाइकेन एंड मॉसेस। तो हमने आपको बताया था क्योंकि लाइकेन क्या करते हैं एसिड सिक्रीट करके चट्टानों पे मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं और मॉसेस सॉइल बाइंडर है क्योंकि ये ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं सॉइल बाइंडर्स चलिए अगला क्वेश्चन मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन हमें लगता है ये क्वेश्चन पीछा छोड़ता ही नहीं है हम किसी भी स्टेट का पेपर सॉल्व कराते हैं मोस्टली हर जगहों पे ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब हमें इस पर ज्यादा काम करना होगा हमें लगता है कि हमने इसके बारे में कुछ ही बातें बताई हैं और आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन जब अब हम इस अगले बैच में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे या फिर किसी वीडियो में इसको बताएंगे मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में चलिए हम अभी इसी वीडियो में ही आपको इतनी जानकारी तो दे देंगे कि आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे इवन सी में भी आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे देखो एम एच सी या इसको एच एल ए भी कहते हैं, ठीक है एम एच सी या इसको एच एल ए भी कहा जाता है एच एल ए का मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ह्यूमन ल्यूकोसाइट आप क्या चाहते हो आप चाहते हो कि हम इसको डिस्क्राइब करें या बस पेपर ऐसे बताते चले जाएं? कोई जल्दबाजी तो है नहीं वैसे भी हम लोग एक हफ्ते बाद मिलते हैं तो कुछ तो बनता है ना कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए बिल्कुल सही आंसर सब लोग बता रहे हैं जेनेटिक रीजन रिप्रेजेंटिंग जीन्स एनकोडिंग प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन प्रेजेंटेशन सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करता है आप बताइए हम इसको एक्सप्लेन कर दें या फिर आगे चलें डिस्क्राइब कर दें डिस्क्राइब कर दे वो हमें पता ही है कि आप अपने से कहाँ ही कुछ करना चाहते हो देखिए इसको हम एच के नाम से जानते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और ये ह्यूमन के केस में ह्यूमन के केस में इसके जो जीन होते हैं ना इसके जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर सिक्स पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर सिक्स पर प्रेजेंट होते हैं दिस इज़ वेरी वेरी आईएमपी पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है माउस के केस में या माइस के, के केस में इसी को एच टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसी को एच टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसके जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट होते हैं किस पे क्रोमोसोम नंबर सेवनटीन पर प्रेजेंट होते हैं हमने आपको बताया था कि जो एम एच सी कॉम्प्लेक्स है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पहली बात ये को शो करते हैं ठीक है कोडोमिन दूसरी बात बताई थी कि ये मल्टीपल एलिजम शो करते हैं मल्टीपल एलिलिजम शो करते हैं तीसरी बार ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। इतनी बातें याद हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये को, को डोमिन शो करता है मल्टीपल एलिजम शो करता है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है दूसरा क्वेश्चन जो एम का बनता है हमने जहां तक पेपर सॉल्व कराया था एनवीएस का तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था और सब लोग इस बात से सहमत होंगे सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि मैम सही बता रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या पूछा जाता है तो देखिए इतनी बातें लिखी क्या आपने दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है ना चलिए हम अभी बता रहे हैं आगे यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं ठीक दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि एम क्लास जो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसके कितने क्लास होते हैं तो एम क्लास वन एम क्लास टू और एम एच सी क्लास थ्री सबसे पहली चीज़ कि इनका कोई रोल नहीं होता एंटीजन प्रजेंटेशन में एंटीजन प्रजेंटेशन में कोई रोल नहीं होता नो नो रोल ठीक है और दूसरा ये सेल सिग्नलिंग में इनका रोल होता है इनका रोल सेल सिग्नलिंग में होता है अब आपसे जो सवाल पूछा जाता है आप चेक करिएगा एनवीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था एमएचसी वन प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल सारी न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है मतलब हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होती है एमएचसी टू पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके एनवीएस या केवीएस में आया है जो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया था ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे ही दिया रहता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर अंतर्गत तीन सेल्स आती हैं याद रखना बी सेल मैक्रोफेजिस और डेंड्राइटिक सेल क्वेश्चन दूसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दूसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यह उड़ीसा पीजीटी का पेपर है भाई नॉलेज मिल रहा है बट रहा है समझिए एक तरीके से आप इसको ले लीजिए है ना एमएससी वन जो है वो इसीलिए देखिए कितने लोग नहीं आए हैं इतने धुरंधर लोग हैं हमारे क्लास में या फिर जो अपने स्टूडेंट अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझने लगे हैं ये बात सच्चाई है बुरी लग रही होगी बहुत लोगों को बुरी लगेगी बाद में जो लोग देखेंगे वीडियो या नहीं देख रहे हैं है ना कि मतलब उनको लगता है कि वो एकदम मास्टर बन चुके हैं दो महीने चार महीने की प्रिपरेशन करके कुछ एडिशनल चीज़ सीखने को मिले तो उनको बहुत दिक्कत होती है इसलिए यहाँ पे 140 लोग देख रहे हैं समझ रहे हो लेकिन उनको नहीं पता है कि वो मास्टर कब बनेंगे वो मास्टर एक ही केस में बन सकते हैं कि वो हर सेशन अटेंड करें हर कुछ तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे हम नीट का पेपर सॉल्व करा रहे हो चाहे हम टीस टी का सॉल्व करा रहे हो चाहे या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन का सॉल्व करा रहे हो बताइए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमएससी वन प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लेटेड सेल एमएससी टू प्रेजेंट ऑन किस पे किस पे है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बी सेल मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल इस पे अब हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है बस इतना समझ लेना जैसे मान लो जो एमएससी का काम है ना उनका काम क्या है एंटीजन रिप्रेजेंटेशन एंटीजन रिप्रेजेंटेशन आपको पता है जो एंटीजन है उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है टी सेल को टू टी सेल्स टी सेल्स को एंटीजन को ये रिप्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को एंटीजन को ये रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन जो भी बाहर से आया अंदर का एंटीजन है उसको ले जाके पहले टी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे फिर टी सेल उनका काम करता है ठीक इतनी बात समझ आ रहा है अब ये टी सेल्स में समझो मेरी बात को दो पाथवे होते एक पाथवे तो एंडोजिनस एंडोजिनस एंटीजन के लिए है और एक एक्जोजिनस एंटीजन के लिए एक्जोजिनस मतलब कोई एंटीजन बाहर से आ रहा है तो उस वक्त कौन काम करेगा और कोई एंटीजन अंदर का ही अंदर इन द सेंस की कोई प्रोटीन है लीजिए सेल के अंदर कोई प्रोटीन है उस प्रोटीन में कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर आ गया वो प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा अब ये एक एंटीजन ही हो गया समझो कोई डिसऑर्डर आ गया कोई खराबी आ गई इस प्रोटीन का कोई काम नहीं है इस सेल के अंदर इसको क्या करना है इसको ले जाके बाहर सेल के बाहर करना है और इसको खत्म करना है सेल से ठीक है तो एंडोजिनस एंटीजन के लिए कौन काम करेगा और एक्जोजिनस एंटीजन के लिए कौन काम करेगा ठीक है तो ध्यान से समझना जो एम एच सी वन है वो इसके लिए और एमएससी टू इसके लिए ठीक एक्जोजिनस एंटीजन बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है एमएससी टू काम करेगा और अंदर से कोई एंटीजन है उसके लिए एमएससी वन काम करेगा एंडोजिनस पाथवे के लिए एमएससी वन काम करता है एक्जोजिनस पाथवे के लिए एमएससी टू काम करता है एम आई डन विद दिस अब चलिए देखिए ओके okay, चलिए अब एक बात और समझ लेना जैसे मान लो कि कोई ये सेल है ठीक है मान लो कोई भी सेल है दिस इज द सेल सेल के अंदर कोई प्रोटीन ये एंडोजिनस एंटीजन है एंडोजिनस एंटीजन है तो इसको एक्सप्रेस कौन करेगा यहां पे एमएससी वन सपोज करो ये एम एस सी वन है और एमएससी वन टी सी को देगा ये टी साइटोटॉक्सिक एम एस सी वन के पास एम एच सी वन के लिए रिसेप्टर किसके पास होते हैं टी साइटोटॉक्सिक के पास और इस रिसेप्टर को हम लोग सी डी एट के नाम से जानते हैं सी डी एट तो ये एंटीजन यहां से इसको एक्सप्रेस कर दिया इसने सी को दिस इज द एंडोजिनस पाथवे दिस इज द एंडोजिनस पाथवे और टी सेल उसका खात्मा कर देगा ठीक बाहर सपोज करो कि ये है कोई सेल और इस सेल में कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है चाहे वो बी सेल है चाहे वो डेंड्राइटिक सेल होगी चाहे वो मैक्रोफेज होगा क्योंकि एमएससी टू कौन एक्सप्रेस करेगा तो यहां पे ये एमएससी टू एक्सप्रेस करेंगे एमएससी टू किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बी सेल डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज के ऊपर कोई बाहर से एंटीजन आ रहा है है ना ये एक्जोजिनस एंटीजन है एक्जोजिनस एंटीजन है सेल के अंदर आ गया इसको ये लेके जाएगा और ये इसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट ये, ये जाएगा टी हेल्पर के पास और इसके लिए रिसेप्टर सी डी फोर होते हैं क्या होते हैं सी डी फोर बस आगे की मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं वो सी एस आई लेवल का है कोई दिक्कत नहीं है बताइए आपको आज समझ आया एंटीजन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है टीसी के ऊपर सी डी एट सी को एट बना देना और इस इस इसका एम एच सी वन के का रिसेप्टर सी डी एट है जो टी सी के ऊपर होता है एमएचसी टू का रिसेप्टर सी डी फोर है जो टी हेल्पर के ऊपर होता है एमएचसी टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ही एक्सप्रेस होते हैं एमएचसी वन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या uh, uh, मतलब आप एक्सप्रेस होते हैं ये एंडोजिनस पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एचजोजिनस पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारे टाइप के क्वेश्चंस बता दिए इससे ज्यादा एमएससी से कुछ नहीं आएगा <coughs> बताइए डन है सभी को इससे ज्यादा एमएचसी से कुछ नहीं आता नहीं पुष्पांजलि दास नहीं कराते आज के बाद ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए ये क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए है ना मतलब आज के बाद इसमें कोई कन्फ्यूजन ना अगर मेरे पास टाइम होता है तो हम एमएचसी वन एम एच सी टू का स्ट्रक्चर भी बता देते कि कितने फ्रेगमेंट होते हैं कितने कितने ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं कभी किसी क्लास में वापस आएगा तो बस इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं आते तो मेजर हिस्टो हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या करता है इनकोडिंग प्रोटीन फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए और हमने कहा था इसको ये इसको ह्यूमन के अंदर एच के नाम से भी जानते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है ना दूसरी चीज़ आप समझ लेना इसके ये क्रोमोसोम नंबर सिक्स पे इसके जीन होते हैं और माइस के अंदर इसको एच टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसके जीन जो हैं वो क्रोमोसोम सेवनटीन पे होते हैं ठीक है क्रोमोसोम नंबर सेवनटीन पे होते हैं और एक बात ये भी समझना कि जो एम है एम है आर के लिए सुप्रीम बैच आरपीएससी के लिए सुप्रीम बैच ठीक है ना बाकी आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए यहाँ नीचे और ऊपर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए एक चीज और समझ लेना यहाँ पे कि जो एमएचसी है उसका काम एक तो बताया कि एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन प्रेजेंटेशन तो ये करता ही करता है इसके बाद सेल टू सेल रिकॉग्निशन भी करता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन भी करता है और हमने कहा था ना ये एक किसी भी सेल का नेम प्लेट है ये नेम प्लेट है नेम प्लेट है सेल के ऊपर है ना नेम प्लेट मतलब सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हर सेल के ऊपर अलग अलग टाइप के एमएससी प्रेजेंट होते हैं तभी तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है पॉली प्रोटीन है मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है एक जिनके बहुत सारे एलि होते हैं ठीक है ठीक सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन तो ये बात भी आपको याद और ये ग्लाइको प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं ग्लाइको होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं जनरली चलिए ठीक है अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द कंडीशन इन विच म्यूटेशन में ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड अपने आप म्यूटेशन इंड्यूस होना तो यहां पे टॉटोमेरिक शिफ्ट है टॉटोमेरिक शिफ्ट टॉटोमेरिक शिफ्ट का मतलब बस ये होता है ना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे मान लो सी है तो इसने जी से बेस पेयरिंग कर रहा है जी में आपस में ही जो हाइड्रोजन है ना वो अपना पोजीशन शिफ्ट कर ले हाइड्रोजन बॉन्ड जहां जहां है वो अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं ठीक है तो इसी को हम टॉटोमेरिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्या है ईपी देखो इम्यून सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन आए ईपी हमने आपको याद है बताया था ये मान लो कि ये है एंटीजन है ना और ये है एंटीबॉडी ठीक हमने कहा था कि एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी का ये पार्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जो एंटीजन से बाइंड करता है ये इस एंटीजन तो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है इसको हम ईपी टोप कहते हैं और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से बाइंड करता है इसको हम पैराटोप कहते हैं याद करो बताया था कि नहीं ठीक है पार्ट ऑफ एंटीजन ये क्या है पार्ट ऑफ एंटीजन द पार्ट ऑफ एंटीजन विच इज रिकोगनाइज बाई द एंटीबॉडी दट इज नोन एज इपीटोप एंड द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच रिकॉग्नाइज द एंटीजन इज नोन एज द पैराटॉल ठीक कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां होता है तो आपको पता है कैसपेरियन स्ट्रिप कहां होता है एंडोडर्मिस्पिट किस पे होता है एंडोडर्मिस में सीधी सी बात है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ठीक अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द डेट्राइटस फूड चेन आपको देखना देखते से ही बताना है कि डेट्राइटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है मतलब कुल मिला के डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होता है डेट्राइटस फूड चेन कुल मिला के डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होता है तो लीफ लीटर जो आगे बनाएगा आपका दैट इज द डफ और फिर ह्यूमस फिर आर्थव बैक ब्लैकबर्ड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है डेट्राइटस फूड चेन है ये क्या है डेट्राइटस फूड चेन डन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द न्यूक्लियोटाइड विच इज नॉट फाउंड इन दी आर एन ए टी आर एन एम देखो मिथाइल ग्वानोसिन सेवन मिथाइल ग्वानोसिन बताया था आपको कैपिंग के समय है ना ये तो है यूरिडीन है ये तो है डाईहाइड्रो यूरिडी सूडो यूरिडीन टी साइसी ये देखा था आपने टी आर ए में टी आर ए का ये लूप जो था टी साइसी और यह डीएच लीप डाई हाइड्रो यूरिडीन भी है।, अमाइनो नहीं है ये तो में इनकारपोरेट होता है है ना तो टू अमाइनो अमाइनोप्यूरिन यहां पे नहीं सेवन मिथाइल या डाई मिथाइल ग्वानोसिन तो है ठीक चलिए टू मिथाइल ग्वान अमाइनो अमाइनोप्यूरिन क्या है ये बेस बेस एनालॉग भी बताया था हमने आपको बेस एनालॉग बताया था याद करिए आपको बेस एनालॉग ठीक चलिए आगे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द मोटर एंड प्लेट मोटर एंड प्लेट की बात कर रहे हैं तो मोटर एंड प्लेट क्या है भाई मोटर एंड प्लेट तो मोटर एंड प्लेट को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं तो प्रेजेंट बिटवीन टू इट इज द जंक्शन ऑफ मोटर नर्व एंड द रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नहीं इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर तो ये बताया था कि ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्लियर द पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज याद करो हमने आपको क्या बताया था तीन तरीके का टैग पॉलीमरेज एक तो आप ये तो सभी को पता है टैग पॉलीमरेज क्या है र क्या करता है टैग पॉलीमरेज डीएनए मतलब एम्प्लीफिकेशन में यूज आता है है ना पीसीआर के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए यही है है ना प्रूफ रीडिंग पे तो टैग हम थर्मस एक्वेटिकस से ऑप्टेंट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से पी एफ यू बताया था हमने आपको पाइरोकॉकस फ्यूरियोसस फ्यूरियोसस और वेंट थर्मोकॉकस जिसको थर्मोकॉकस रैलिस जिसको वेंट पॉलीमरेज को हम टीएलआई पॉलीमरेज के नाम से भी जानते टीएलआई पॉलीमरेज ये तीन हम पीसीआर के अंदर यूज करते हैं टैग पॉलीमरिज थर्मोसिक्वेटिक से पी एफ यू पायरो है ना क्लियर है डन बताइए वेरी गुड अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट दैट इज वॉट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इफ फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट है ना फिक्सड अमाउंट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट हो द देशन कंटिन्यूसली इंक्रीज ऑब्वियस सी बात है ऑफ सबस्ट्रेट का ऑब्वियसेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले तो बढ़ेगा फिर प्लेटिव हो जाएगा है ना पे वी मैक्स हो जाएगा जब सारे एंजाइम के सारे एक्टिव साइड सबस्ट्रेट से फुल्ली फिल हो जाएंगे तो पहले इंक्रीज होगा है ना आप कंसंट्रेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली या इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा इट विल इंक्रीज टिल द मैक्सिमम रेट एंड देन देन ग्राफ विल मेकअप्लेट्यू मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा है कि नहीं नाइट्रोजन होता है भाई ज्योति शुक्ला सिल्क क्या है नेचुरल सिल्क आप पूछ रहे हो तो सिल्क क्या है ज्योति शुक्ला पूछ रहे हो नेचुरल सिल्क में क्या है सिल्क भैया फाइब्रोइन प्रोटीन है सेरिसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन तो ही सिल्क कहा जाता है फाइब्रोइन और से तो फाइब्रोइन के अंदर क्या है एमिनो एसिड्स है भाई ये प्रोटीन है तो एमिनो एसिड्स है तो यहां पे नाइट्रोजन ज्यादा होगा है ना चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन मॉलिक्यूल जेड डिस्क अच्छा क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट दिस्क ऑफ क्वेश्चन भी हम करा चुके है। जो है, वो किस प्रोटीन का एक्टीन एक्टीन एल्फा एक्टीन है ना डिस्क ट्रॉफिन बताया था आपको देखो यहां से ये यह जो आपके ये जुड़े होते हैं आई है ना यहां पे हमने बताया था कि ये जो प्रोटीन होती है जोड़ने का काम करती है वो टाइटीन डिस्ट्रॉफिन होती है जेड डिस के अंदर एल्फा एक्टिनिन प्रोटीन होता है क्या होता है एल्फा एक्टिनिन प्रोटीन होता है ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डी एन ए या जेल इलेक्ट्रोफोरिस आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड सैंपल ऑफ डीएनए इज लोडेड टूअर्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिल्कुल सही है हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही डीएनए को लोड करते हैं यहाँ डीएनए लोड कर दिया लोड कर दिया बिल्कुल सही है एथिडियम ब्रोमाइड हम लोग यूज करते हैं यूवी रेडिएशन ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं है ना सही है लार्जर डीएनए पीस सीन क्लोजर टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एगैर जेल अरे ये तो गलत है ना लार्जर जितना लार्जर होगा वो नियरर रह जाएगा ना जितना छोटा रहेगा वो दूर भागेगा जितना छोटा रहेगा वो दूर भागेगा जितना लार्ज रहेगा इनकरेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है रॉन्ग पूछा है सी रॉन्ग है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्मेशन ऑफ थिक विथ विद फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एक्टिव साइट तो एक्टिव साइट कहां प्रेजेंट होता है थिक फिलामेंट विद द थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट में कहा प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट तो एक्टिन ओनली है ना ट्रोपो एक्टिन देखो एक्टिन फिलामेंट किससे मिलके बना है एक्टिन दो एफ एक्टिन साथ ही साथ फिर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी हैं इसमें ट्रोपोनिन और तीन ट्रोपोमायोसिन जो सॉरी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट आई ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी तीन सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं तो ये जो एक्टिव साइट होता है वो एक्टिन में ही होता है ये एक्टिव साइट कहाँ होता है हमने बताया भी था याद करिए पढ़ाते टाइम की एक्टिव साइट बस और बस एक्टिन में होता है किस में बस एक्टिन में होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर द ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन ट्रांजिशन यहाँ पे एक्चुअली में प्यूरिन है, है ना क्वेश्चन हम अभी देख रहे थे तो हमें समझ में आया कि यहाँ कुछ गलत है तो फिर हमने चेक किया तो

तो प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होगा तो वो ट्रांजिशन हो जाएगा समझ आ रहा है सभी को ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस कैन बी ट्रिगर्ड बाई कैन बी ट्रिगर्ड बाई तो हमने आपको बताया था एपोप्टोसिस के लिए बहुत सी प्रोटीन होती हैं जिसमें से कैसपेज एक है लेकिन साइटोक्रोम सी भी होता है ट्यूमर नेक्रोसिस है। अरे अच्छा नॉट पूछा है तो ये भी होता है देखो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी होता है कैसपेजस होते हैं साइटोक्रोम सी होते हैं लेकिन फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है एफ नहीं होता ये एक को फैक्टर है ठीक है ये एक को फैक्टर है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ठीक है टीएनएफ साइटोक्रोम सी कैसपेजेस याद रखना कैसपेस से क्वेश्चन बहुत बार देख रहे हैं पूछा जा रहा है कैसपेस से बहुत नॉट पूछा गया है नॉट ट्रिगर्ड बाई नॉट ट्रिगर्ड में आपका फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा ठीक है नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कैस्पेस तो याद ही रखना ये तो हमने ही कितनी बार सॉल्व करा है वो फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लियल सेल इन द नर्वस सिस्टम आपको पता है नर्वस सिस्टम की अगर हम बात एक किए कि सेल्स होती हैं एक तो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि न्यूरोन् और कुछ एक्सेसरी सेल्स हैं जिनको ग्लियल सेल्स कहते हैं ग्लियल सेल्स में भी हमने आपको बताया था ये देखो नॉन डिवाइडिंग है नॉन डिवाइडिंग है इसमें बस न्यूरॉन में देखो सेंट्रोसोम एबसेंट होता है बाकी यहाँ सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है ये डिवाइडिंग होती ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है है ना जैसे कभी कभी पूछ दिया था ब्रेन का ट्यूमर कैसे होता है फिर जब न्यूरॉन्स नॉन डिवाइडिंग है तो ट्यूमर का मतलब एक्सेस सेल ग्रोथ तो ब्रेन का ट्यूमर न्यूरॉन्स का ट्यूमर नहीं होता वो ग्लियल सेल्स का ट्यूमर होता है ग्लियोमा जिसको बोल देते हैं ब्रेन ट्यूमर को क्या बोल देते हैं ग्लियोमा के नाम से जानते हैं क्योंकि ट्यूमर का मतलब एक्सेस सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन कहाँ से हो रहा है अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो न्यूरॉन्स में तो सेंट्रोसोम नहीं होते हैं लेकिन ग्लियल सेल्स में तो होते हैं जिसमें माइक्रोग्लियल सेल्स आ जाते हैं माइक्रोग्लियल सबसे छोटी सेल एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं जिसको ब्लड ब्रेन बेरियर के नाम से जानते हैं ठीक है स्टार सेब की ऑलिगोडेंड्रोसाइट आ जाते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं ठीक है एपेंडाइमल सेल्स आ जाते हैं जो कि लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल बनाते हैं एपेंडाइमल सेल्स तो ये सब क्लियर तो ये क्या करते हैं नॉट पूछा है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये नर्व इम्पल्स को क्यों इनिशिएट करेंगे है ना ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं कौन देखो ये सब क्वेश्चन एकदम रटा क्वेश्चन होना चाहिए एस्ट्रोसाइट है ना कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ से वेंट्रिकल में होता है तो ईपेडाइमल सेल इपेन डाइमल सेल वेंट्रिकिल की लाइन बनाते हैं वेंट्रिकल में स्टोर होता है है ना ठीक तो इनिशियशन ऑफ नर्व इम्पल्स ठीक है डन है कि नहीं बताइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफरेज एक्टिविटी ड्यूरिंग द process प्रोसेस ऑफ प्रोटीन is इज एट्रीब्यूटेड बाई transferase आपने देखा नहीं आपको तुरंत समझ में आ गया कि बात किसकी चल रही है आर एन ए प्रेजेंट द फिफ्टी एस सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियॉटिकाइबोजोम द टू टी आर एन ए मॉलिक्यूल ये तो गलत हो गया एंजाइम प्रेजेंट इन द फिफ्टी एस सब यूनिट ऑफ प्रोकेरियोटिक राइबोसोम आप बताओ हमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेस किसको कहते हैं ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए कहा प्रेजेंट है भाई तो ये प्रेजेंट है फिफ्टी एस है कि नहीं नहीं एंजाइम प्रेजेंट इन फिफ्टी एस नहीं आर आर एन ए प्रेजेंट इन द फिफ्टी एस राइवोजोम आर आर एन ए डी नहीं बी सही है एंजाइम प्रेजेंट इन 50s एस आर एन एक्चुअली पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का एक्चुअली आर आर एन ए प्रेजेंट इन द फिफ्टी एस सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम डी नहीं सही होगा यहाँ पे बी सही होगा आर आर एन ए डन चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लिगामेंट्स आपको याद है जब हमने आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहे थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको डेंस रेगुलर पढ़ाया था डेंस इेगुलर पढ़ाया था डेंस रेगुलर में डेंस रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था डेंस रेगुलर डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का एग्ज़ाम्पल लिगामेंट्स बताया था और फाइब्रस का एग्जाम्पल कोलेजन बताया था कोलेजन किसके थ्रेड होते हैं कोलेजन के थ्रेड को टेंडन्स कहते हैं लिगामेंट्स के जो थ्रेड होते हैं वो किसके बने होते हैं इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं तो लिगामेंट्स बताएंगे किस फाइबर के बने होते हैं इलास्टिन फाइबर लिगामेंट्स के थ्रेड को क्या कहते हैं या इलास्ट हां लिगामेंट्स हमने आपको बताया था ठीक इसका कोलेजन और इलास्टिन सॉरी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर बताया था इलास्टिन फाइबर के थ्रेड को लिगामेंट्स कहा जाता है ठीक है इतना समझ आ रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर इंडिविजुअल विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप एज एम एन सिस्टम इन द पॉपुलेशन ब्लड टाइप दिया है इंडिविजुअल दिया है एलील फ्रीक्वेंसी कितना आसान है देखो एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है एम और एन का और ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट वाला है ये रेसेसिव वाला है और ये हेट्रोजाइगोट अब तो आप निकाल लोगे ना डोमिनेंट रेस्यू और हेट्रोजाइगोट दिया है आपको डोमिनेंट रेस्यू और हेट्रोजाइगोट दिया है हमने आपको निकालने के लिए बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट निकालो तो डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी इनटू हाफ हेट्रोजाइगोट अपॉन टोटल हाफ हेट्रोजाइगोट कितना हो गया पंद्रह सत्ताईस कितना लंबा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए टोटल मतलब इनको जोड़ दो सब सात दो नौ दस चार दो छः तीन नौ दस है ना और पाँच एक छः तीन नौ दस और दो तीन तीन हज़ार तीन हज़ार टोटल में आ जाएगा ये तीन हज़ार ठीक है देख लो आप फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एम निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन निकालना है तो क्या बताया था ले ये एन की फ्रीक्वेंसी एक हजार इकतालीस इंटू हाफ प्लस था इंटू नहीं प्लस है ना हाँ प्लस 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 है प्लस इंटू हाफ या प्लस सॉरी फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री थाउजेंड इसको निकाल लीजिए देखिए कितना आ रहा है फॉर्मूला तो पता है और क्वेश्चन सीधे है क्या दिक्कत है इसमें एम की फ्रीक्वेंसी बराबर Dominant into हाफ हेट्रोजाइगस अपॉन टोटल भाई क्वेश्चन लगवाया ऐसे दस क्वेश्चन लगवाए हैं ऐसे तो एम की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है देखो ना एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपको समझ आ रहा है कि हम क्यों इतना डिटेल बढ़ाते हैं सारी चीजें तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका डोमिनेट मतलब तीन सौ बत्तीस प्लस हाफ क्या है हेट्रोजाइगोट अपॉन टोटल अब ये देखो कैलकुलेशन आपको करना है और ऑप्शन आपको ढूंढना है कैलकुलेशन आपको करना है ऑप्शन आपको ढूंढना है और फिर रेसिव का एन का निकालना है तो एन का टोटल इन प्लस हाफ हेट्रोजेगोट अपॉन टोटल ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लीजिए टीआई प्लाज्मिट यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर तो टीआई प्लाज्मिट क्या करते हैं हमने बताया भी था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैशियन्स में प्रेजेंट होता है ठीक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैशियंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है वो सवाल किसका था हार्डी विनबर्ग का था ठीक है ना क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है और एक पूछ दिया जाता है एग्रो बैक्टेरियम राइजोजीन्स, जो कि आपका हेरी रूट डिजीज कॉज करता है हेरी रूट डिजीज कॉज करता है hairy, और दोनों को ही हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं है कि नहीं ठीक है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं और टी आई प्लाज्मिट के अंदर टी डी एन ए आर आई प्लाज्मिट में आर डी एन ए टी डी एन ए में क्या है आर डी एन ए में क्या है सब हमने आपको बताया हुआ है टी डीएनए में ऑक्सिन साइटोकाइनिन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट आप बताओ मोनोकॉट प्लांट डॉर्सन वेंटर लीव सर्फिस आइडेंटिकल होते हैं आइसोबाइलेटर लीफ है लार्ज नंबर ऑफ जाइलम ग्रुप्स होता है एबसेंस ऑफ कैम्बियम बिल्कुल सही यूजअली टेट्रा मेरस फ्लार यही नहीं होता भाई देखो मोनोकॉट का मोनोकॉट का फीचर होता है ट्राई मेरोसिटी ट्राई मेरोसिटी बाई मेरस है ना बाई मेरस टेट्रा मेरस जैसे द, बाई मेरस जैसे प, पापा वरेसी में हो गया है ना मतलब सेपल पेटल के नंबर टू और टू के मल्टीपल में पापा वरेसी में है ना टेट्रा मेरस क्रूसीफेरी में ब्रेसिकेसी में हो गया ब्रेसिकेसी में हो गया और पेंटा मेरस पेंटा मेरस आपके सोलेनेसी वगैरह में हो गया तो ये सब किसका फीचर है ये डाईकॉट के फीचर है किसके फीचर हैं डाईकॉट्स के मोनोकॉट में ट्राई मेरस कंडीशन देखने को मिलता है मोनोकॉट में क्या देखने मिलता है ट्राई मेरस कंडीशन देखने को मिलता है डन है सभी को चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेरिस फ्रॉम द फॉलोइंग नेरिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द नहीं इसको फिम्बरी नहीं कहते हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको चीटी बोलते हैं तो गलत पैरापोडिया प्रेजेंट ओनली ऑन द पोस्टीर नहीं भाई पैरापोडिया केवल पोस्टीर पे नहीं होते ईच पैरापोडियम अरे पैरापोडिया का स्ट्रक्चर बनाया था कितने लोगों को याद है डॉर्सल रैमस वेंट्रल रैमस याद है कितने लोगों को डॉर्सल रेमस को हमने डोर्सल को हमने नोटोपोडियम कहते थे नोटोपोडियम यह भी गलत है ये इसलिए गलत है यह दिया है डॉर्सल न्यूरोपोडियम गलत है डॉर्सल नोटोपोडियम होता है वेंट्रल न्यूरोपोडियम होता है तो नोटोपोडियम डोर्सल है डोर्सल और जो वेंट्रल बताया था हमने आपको वेंट्रल न्यूरोपोडियम है न्यूरो न्यूरोपोडियम और चीटी तो दोनों में ही होते हैं तो चीटी प्रेजेंट ऑन बोथ नोटोपोडियम न्यू यही सही है यही सही है चीटी दोनों में होते हैं न्यूरोपोडियम नोटोपोडियम दोनों में ही होते हैं ठीक है एसिक्यूलर ये हमने आपको बताया था ठीक बताइए चीटी कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज नॉट यूज बाई द फेमस एक्सपेरिमेंट बाई मिलर यूरे मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट किसका एक्सपेरिमेंट था ये स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस यूज किया था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस यूज किया था तो इन्होंने अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन ये तो यूज किया था रेशियो क्या था इसका वन टू टू रेशियो था अमोनिया वन मीथेन ये लेकिन नाइट्रोजन यूज नहीं किया था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस मिले ने केमिकल इवोल्यूशन के लिए किसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना था इनको किसका ओपेरिन हेल्डन का ओपेरिन एंड हेल्डन के केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना था इसको केमिकल इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन डन है बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनो डेफिशियंसी डिसऑर्डर देखो इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी डिसऑर्डर एक्स लिंग एक्सलिंग जिसको एक्स ए गैमाग्लोविलिया कहते हैं ये है जी सिक्स पी डी डिफिशियंसी जी सिक्स फॉसफे डिहाइड्रोजीनियस डिफिशियंसी ये तो एक एक्स लिंगड रेसेसिव है याद है हमने आपको बताया था ये लिंग रेसेसिव डिसऑर्डर है इम्यूनो डिफिशियंसी नहीं है एडीए है ठीक है टी सेल डेफिशियंसी जिसको डी जार्ज सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं याद करिए आप लिखाए हैं कि नहीं इम्यून सिस्टम में डी जार्ज सिंड्रोम याद आ रहा है सभी को ये है है ना तो आपको जी सिक्स पी डी डेफिशियंसी ये एक्सलिंग डिफिशियंसी एक्सलिंग रेसिव है जिसको फेविज्म के नाम से जानते हमने कहा था ऐसे पेशेंट अफ्रीकन के जो अफ्रीका पॉपुलेशन है कॉन्गो में ये एंजाइम नहीं होता और इसलिए उनमें मलेरिया नहीं होता ये भी बात हमने आपको बताया था और ऐसे पर्सन कुछ लोग ऐसे पर्सन जिनमें जिस जी सिक्स पी डी होती है वो फैबा बीन्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है फैबा बीन्स इसलिए इसको फेबिज़म के नाम से भी जानते किसके नाम से जानते हैं फेविज़म के नाम से भी जानते बताया था ना आपको देखो क्वेश्चन हमने कैसे कैसे क्वेश्चन आपको इस बात का एहसास होगा ग्लूकोज सिक्स फॉर्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी आपको इस बात का एहसास होगा यहां बिल्कुल भी प्रेज नहीं कर रहे हैं हम आप अपनी लेकिन आपको इस बात का एहसास होगा कि मैम ने किस हद तक पढ़ाया है चीजों को कि हम किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन को सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार बैठे समझ पा रहे हैं इस बात को ठीक है चलिए आगे आ जाइए इन पिडिग्री एनालिसिस आपको क्वेश्चन देखते से ही एकदम मजा आता है ना कि हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा हंड्रेड क्वेश्चन में से दो चार क्वेश्चन कभी आपको परेशान करेंगे किसी अदर स्टेट के लेकिन बाकी जो है आपको एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी क्या दिया हुआ है इन पिडिग्री एनालिसिस इतने लंबे सवाल को पढ़िए पर्टिकुलर ट्रेट ऑब्जर्व इन द पेरेंटल जनरेशन एंड ओनली डॉटर डॉटर अपना क्या डॉटर है ठीक है और सन नॉर्मल है डॉटर कैरियर है सन नॉर्मल है डॉटर जो है वो मैरिट करती है नॉर्मल पर्सन से तो फिर सन अरे सीधी सी बात है ना भाई डॉटर से उसके सन में जा रहा है और किसी पर्टिकुलर जनरेशन में फादर यहाँ पे तब डिजीज रहा होगा तो फादर से डॉटर डॉटर से सन है कि नहीं तो आप बताओ कि अगर डॉटर में वो डिजीज है और वो नॉर्मल पर्सन से शादी करती है तो ये डिसऑर्डर देखो इसकी बेटी में नहीं आ रहा है इसकी बेटी में नहीं आ रहा है डिसऑर्डर इसके बेटे में आ रहा है ये डिसऑर्डर इसके बेटे में बेटी कैरियर है मतलब ये एक्सलिंग रेसेसिव है कैसा डिसऑर्डर आप लोग ही बता रहे होंगे प्रार्थना शर्मा अच्छा हमने सुप्रीम में नहीं पढ़ाया है ना बाकी पीडिगरी तो हर जगह पढ़ाया है पढ़ा देंगे टेंशन मत लीजिए ठीक तो किस में है ये क्या बताओ आप आप देख रहे हो तुरंत से ऐसे कर लो ना भाई डॉटर में डॉटर है ठीक है एक मिनट फिर उसके सन में जा रहा है द डॉटर गॉडमेड नॉर्मल पर्सन फाउंड इन सन सेलेक्ट द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एक्स एक्सलिंग इन रेसेसिव कैसा है एक्स लिंग रेसेसिव है सीधी सी बात है चलिए आइडेंटिफाइड द साइंटिस्ट हु नॉट क्रेडिटेड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग टू द डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन यहाँ पे नहीं है अरविंद चारगाफ ने भी डीएनए स्ट्रक्चर पे बात किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है चारगाफ रूल दिया था रोजलिन फ्रेंकली ने दिया था विल्किंस मार्था चेज हद एंड चेज़ ने ये लोगों ने नहीं दिया था इन्होंने तो केवल और केवल केवल और केवल क्या बताया था कि ए अन एकवोकल प्रूफ दैट डीएनए एन एक्ट एक जेंटिक मटेरियल ठीक चलिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनो टाइप्स आर पॉसिबल इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कितना जीनो टाइप मिला था कितने तरीके का जीनो टाइप आता है तीन ना डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बस इतना याद रखना जीनो टाइप कॉम्बिनेशन वन टू पावर थ्री टू टू पावर थ्री थ्री टू पावर थ्री दिस इज फॉर द जीनो टाइप ये किसके लिए है जीनो टाइप और फिनो टाइप के लिए वन टू पावर टू ठीक है और टू टू पावर टू थ्री टू पावर टू ऐसे याद रखना बस तो यहां पे कितना हो गया वन यहां पे हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है ये भी तो वन ही आएगा हाइब्रिड के लिए कितना आ जाएगा एट और ये कितना आएगा फोर ट्राई हाइब्रिड के लिए सत्ताईस और ये नाइन ठीक तो कितना आ जाएगा यहां पे बताइए सत्ताईस ये आ जाएगा सत्ताईस कितना आ जाएगा सत्ताईस ठीक है तो जीनो टाइप पूछा है ना तो थ्री टू पावर ट्राई हाइब्रिड के लिए तो थ्री टू पावर थ्री फिनो पूछता तो थ्री टू पावर टू फिनो के लिए पावर टू लगा दो और इप के लिए ड्यूरिंग साइकिल फोटो इन फोटो सिंथेसिस क्या पूछ रहा है बस ये देखो यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक साइक्लिक है यहां हमें लग रहा है नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है तो फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम वन से ही पहला ले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पे नॉन साइक्लिक में है कि नहीं और अगर साइक्लिक होता तो फोटो सिस्टम सेकेंड पहले ऑपरेट होता सॉरी नॉन साइक्लिक साइक्लिक हो जाए साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन है हाँ, नॉन साइक्लिक होता तो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है नॉन साइक्लिक हो तो होता तो फोटो सिस्टम सेकेंड होता हाँ नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम सेकेंड और साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर वॉज यूज इन द केस ऑफ आप बताओ यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा वेक्टर यूज किया था इम्यूनो सी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी जीन थेरेपी में जीन थेरेपी जो पहली चाइल्ड थी चार ईयर ओल्ड गर्ल फोर ईयर ओल्ड गर्ल जिसका नाम हमने आपको बताया था अशांति अशांति डिसिल्वा ये छोटी बच्ची जिसमें एडियो डेफिशियंसी हो गई थी और वो स्किड से सफर कर रही थी स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उसको क्योर करने में किस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था रिट्रो वायरल वैक्टर बताया था या नहीं बताया था रिट्रो वायरल वैक्टर आपके आंसर आ भी रहे होंगे हमारे ख्याल से किस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था वेरी गुड अच्छा थोड़ा देखें तो चेहरा देखें इन लोगों का चेहरा देखें फिर बताते हैं सनी विश्वकर्मा ठीक है चेहरा क्या ही देखें हम है ना यहाँ दिख तो रहा नहीं है अगर सामने आप लोग रहते ना तो फिर बताते हैं आपको अच्छे से आप बताओ हमने ये बताया नहीं था ये कि किस वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें वाई ए सी बी एस सी कर दिया ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट में वाई ए सी बी एस सी तो जो है वो ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया था और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने में ठीक चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए भाई ऐसे थोड़े काम चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रुप्स आर बेस्ड मेड बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एम्ब्रियोलॉजिकल वेरी गुड मेंबर्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप इंक्लूड डाइवर्स रेंज इट ऑल्सो इंडिकेट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप गलत बेंथम हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं है यस yes, मैम आपने बताया था बताया था क्या कि पढ़ाया नहीं था क्या नहीं पढ़ाया था पूरा प्रोसेस बताया था एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी बताया था है ना तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो आपको पता है हचिनसन ने तख्ताजन ने और एंगलर प्रैंटिल ने अगर आपसे आर्टिफिशियल पूछा जाता है लीनियस का है नेचुरल पूछा जाता है बेन्थमुकर का है फाइलोजेनेटिक पूछा जाता है तो हचिनसन तख्थाजन और एंग्लर प्रेंटिल ये याद रखना ठीक चलिए द सबस्ट्रेट विच कंटेन नाइट्रोजन बट नीदर फाउंड इन प्रोटीन नार इन न्यूक्लिक एसिड है ना एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन तो है लेकिन ना ही वो न्यूक्लिक एसिड में होता है ना ही वो प्रोटीन में होता है देखें तो क्या बताते हो आप जल्दी से देखें अच्छा आप क्योंकि हम तो फटाफट बताते ही चले जा रहे हैं बताओ हम तो बताते चले जा रहे हैं देखें इसमें से कौन सा ऐसा सब्सट्रेट है न, न, जो ना ही प्रोटीन में पाया जाता है ना ही न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता वेरी गुड सभी के आंसर आ रहे हैं एन एसटेल नैग नैग देखो इनोसिन तो है भाई आई डाईहाइड्रो यूरिन आर एन ए में है सिक्स माइनोपोर डीएनए में है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नैग नैग के पॉलीमर को क्या कहते हैं नैग देखो नैग दो जगहों पे है हमने कहा था नेग दो जगहों पे एक तो नेग का पॉलीमर काइटीन है तो काइटीन जो है वो सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाई जाती है सेल वॉल ऑफ फंजाई में होती काइटीन कहाँ कहाँ होता है जल्दी से बताओ फंजाई की सेल वॉल एक जो स्केलेटन ऑफ आर्थोपोडा एक जो स्केलेटन ऑफ आर्थोपोडा है ना सीटी चीटी इन सब में भी ना काइटीन होता है और गीजर्ड ऑफ गीजर्ड जो बताया था कॉकरोच के गीजर्ड में भी काइटिनस टीथ होता है है ना गीजर्ड ऑफ कॉकरोच और नैग एलोंग विद ने, नेग विद नेम यह क्या है ये पिप्टीडोग पिप्टीडोग्लाइकन है जिसको हम म्यूरिन के नाम से जानते हैं यह कहाँ होता है ये वॉल ऑफ बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया और नैग एलोंग विद नेट ये कहाँ होता है उूडोम में होता है बताया था ये किस किसमें होता है सेल वॉल ऑफ आरकी बैक्टीरिया वॉल ऑफ आरकी बैक्टीरिया तो नैग ना तो प्रोटीन में सेल वॉल में है ठीक है लेकिन ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नहीं है ठीक है आगे चलें, बताइए आगे देख लीजिए इन द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन द पैरल पॉलीपेप्टाइड आर लिंक टूगेदर आप बताओ हमने बीटा प्लीटेड जो पैरल पॉलीपेप्टाइड है वो कैसे जुड़े हैं आपस में तुमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड तो आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड जो पैरल स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड बीटा प्लीटेड की अगर बात करें अब बताओ बीटा प्लीटेड प्रोटीन कहाँ देखने मिलती है तो बीटा प्लेटेड प्रोटीन हमें बीटा केराटिन में देखने मिलता है देखो अल्फा केरेटिन में अल्फा हेलिकल प्लस फाइब्रोइन एंड सेरिसिन में देखने मिलता है फाइब्रोइन और सिल्क प्रोटीन जो है ठीक है तो बीटा कैरेटिन कहां होते हैं फेदर्स में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ना किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक चले अगला क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन देखते से कितने लोग लगा लेंगे बस इतना पूछ रहे हैं हम हमको इतना तो पता है कि हमारे पढ़े स्टूडेंट्स तो इतने तो सुपीरियर होंगे कि ये क्वेश्चन देखते से उनको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है क्या निकालना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको लगाना है स्टर्ट इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या लगाना है स्टर्ट इवेंट का कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी बराबर वॉट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कुछ मत पढ़ो ना ऊपर कुछ पढ़ना ही नहीं है नंबर ऑफ रिकॉमेंट अपऑन टोटल इन टू हंड्रेड अब यहां रिकॉमेंट कौन ढूंढनेगा रिकॉमेंट कौन ढूंढेगा कि इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन है और पेरेंटल कौन है तो जो रूल बताया था जो दो सबसे कम होंगे जो डेटा दो सबसे कम कौन है 104 और 96. तो 104 और 96 अपॉन अपऑन टोटल करोगे 500 ये तो 500 हो गया पाँच सौ और दो सौ मतलब ये एक हज़ार हो बारह सौ इन टू हंड्रेड आप बताओ ये दो सौ हो गया दो सौ अपन बारह सौ इन टू हंड्रेड कर दो भाई बारह पॉइंट वन आठ बचा बारह पॉइंट वन सिक्स बारह छः बहत्तर ऐसे कुछ आएगा ना यही आएगा पॉइंट वन सिक्स के आसपास आएगा है कि नहीं अरे हाँ ये तो सोलह आ जाएगा ना तो बस समझो कि कितना हुआ बारह ठीक 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 पॉइंट वन सिक्स अरे शिम्बू कुशवाहा आप देखो तो कैसे लगाए हैं स्टूडेंट देखिए यहां पे कैसे आंसर आ रहा है मेरे बताने से पहले आंसर आ गया है ना मेरे बताने से पहले आंसर आ गया क्यों आया क्योंकि हमने आपको एकदम थमरूल बताया है कि आपको डरना ही नहीं है पूरे भर भर के पेज का क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल लेकिन डरोगे क्यों आप ये चार आपको दिया हुआ है और चार में से दो सबसे कम जो है वो रिकॉम्बिनेंट है और जो दो ज़्यादा होंगे वो पेरेंटल टाइप के होंगे इतना टाइम थोड़े होता है किसी के पास ज़्यादा पूरा डेटा पढ़ने का और वो तो बस कुछ रूल्स आपको हमेशा दिमाग में याद रखने होंगे ठीक है किसने दिया था पीएच मॉर्गन के स्टूडेंट जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टर्ट इवेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने बताया था ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसरप्टेड बाय एक्शन पोटेंशियल फॉर ऑप्शन रिस्टोरेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था पहले क्या था भाई पहले तो यहां माइनस था और बाहर प्लस था और दूसरा क्या दिया हुआ है कि अब जब यहाँ अंदर प्लस हो गया और बाहर माइनस हो गया तो इसको हम ये एक्शन पोटेंशियल है <coughs> एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ये तो आपका <coughs> कौन सा स्टेज था ये आपका पोलराइज या नॉर्मल स्टेट है तो इसको वापस रीस्टोरेशन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है बताया था आपको रीस्टोरेशन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है कौन सोडियम पोटेशियम पंप तीन सोडियम को बाहर फेंकेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब तीन सोडियम बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर जाएगा है ना और दो पोटेशियम अंदर आ पाएगा, है कि नहीं? जो जो डिस्टर्ब हुआ है तो उसके लिए कौन रिस्टोरेशन कर, करवाएगा सोडियम पोटेशियम पंप सोचिए सोच लीजिए देख लीजिए पेपर देख लीजिए which of the following statement is incorrect in terms of population size and its growth population size and its growth population size is affected by natality and mortality बिल्कुल सही है Incorrect पूछा है Affected by predator-prey relation बिल्कुल सही है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अफेक्ट पॉपुलेशन साइज बिल्कुल सही कोई भी कंपटीशन हो पॉपुलेशन साइज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी डज नॉट अफेक्ट द बर्थ रेट यही तो गलत है ना यही तो गलत है भाई पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो बर्थ रेट भी तो ज्यादा होगा ठीक बताओ आप ओके चलिए नेक्स्ट देखिए प्रोटीनिशियस प्रोजेक्शन ऑफ सम विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया प्रोटीनिशियस प्रोजेक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन वेरी गुड दैट इज द पिली पिली में पिली इन प्रोटीन का बना है आउट ग्रोथ होता है और ये कॉन्जुगेशन में भी रोल प्ले करता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है करता है या नहीं बताओ करता है वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू री एब्जॉर्बशन एंड सीक्रीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द किडनी तो क्या कह रहा है हाँ, देखो सीधी सी बात है ये वाटर को सीक्रीट H प्लस को सीक्रीट करता है तो ये तो गलत है लूप ऑफ एनले K प्लस को हाँ जो इसका असेंडिंग है ना इलेक्ट्रोलाइट तो लूप ऑफ एनले का ये डिसेंडिंग लिंब है ये असेंडिंग का थिन और थिक सेगमेंट है ठीक है जो थिक सेगमेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट रिओब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम तो यही सही है क्योंकि पी सी सिक्रीट नहीं करता सोडियम को रिओब्जॉर्ब करता है और डी जो है पोटेशियम को सिक्रीट करता है बताया था सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट करके पोटेशियम को सिक्रीट करता है तो बी ऑप्शन सही होगा क्या ट्यूबिल सिक्रीट करता है पोटेशियम सोडियम को कि रीअब्सॉर्ब करता है पीसीटी रीअब्सॉर्ब सोडियम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था और डिस्टल कॉन्वलटेड ट्यूबुल सोडियम रिअब्जॉर्ब करता है पोटेशियम सीक्रेट करता है क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट करता है तो सोडियम को रियब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को सीक्रेट करता है सोडियम तीन सोडियम अंदर आता है दो पोटेशियम बाहर जाते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इज मीडियटेड बाई को ट्रांसफर कर रहा है बैक्टीरियो फेज तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियो फेज इज नोन एज ट्रांसडक्शन तो ये क्या है ट्रांसडक्शन है अगला क्वेश्चन वर्नेलाइजेशन प्रोसेस इज ऑफ ऑफ एन ऑल्सो लिंक टू वर्नलाइजेशन प्रोसेस और किससे लिंक है हमने कहा था एक ऐसा भी हार्मोन है एक ऐसा भी हार्मोन है जो वर्नलाइजेशन या कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करता है उस हार्मोन का नाम क्या है जिब्रेलिन तो हमने कहा था जिब्रेलिन जो है यो फोटोपीरियोडिज्म को लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग लाइट कंडीशन को भी रिप्लेस करता है और कोल्ड मतलब कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को भी रिप्लेस कर देता है बताओ नहीं बताया था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में इसमें गलत क्या है द प्रोथैलस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पहला ही गलत बता दें टेरिडोफाइटा का जो गैमिटोफाइट है इसको प्रोथेलस कहते हैं इसका जो गैमिटो कितनी बार ये क्वेश्चन आता है गैमिटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं तो यह एन है ना तो पहला ही गलत है फर्टलाइजन एक्सटर्नल स्टोर ये सब तो सही है तो गैमिटोफाइट एन है बताओ ठीक है चलिए इसके प्रोथेलस क्या है इसका गेमेटोफाइट स्मॉल इनकॉन्सिपिक्यूअस मल्टी सेलुलर रिड्यूज फोटो सिंथेटिक बताया था ना ठीक है विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज नो रोल इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड क्रोमैटिड के मूवमेंट में किसका रोल नहीं है काइनेसिन काइनटोकोड ट्यूबिलीन ट्यूबिलिन तो रोल है सेल मूवमेंट में ठीक है लेकिन ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन का रोल तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कुछ ना आए तो कुछ कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ ही जाएगा है ना इसका रोल मटर मसल कॉन्ट्रैक्शन में है इसका रोल किस में है मसल कॉन्ट्रैक्शन में है ना तो काइनेसिन काइनेटोकोर ट्यूबलिन का रोल है क्रोमेटिड के मूवमेंट में ठीक है क्रोमेटिड जो होती हैं दो क्रोमेटिड आपस में एक प्रोटीन से अटैच्ड होती है उस प्रोटीन का नाम कोहेसिन है ठीक है और ये काइनेटोकोर है काइनेसिन जो है इसको सेपरेट करने में रोल प्ले करता है तो ट्रोपोनिन ठीक चलिए आरएनए इंटरफेरेंस आ गया ना सवाल आरएनए इंटरफेरेंस अभी आपको बताया था आरएनए आई आप बताओ आरएनए आई या जीन साइलेंसिंग या पीटीजीएस या पीटीजीएस पीटीजीएस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग या क्वेलिंग कितने तरीके का बताया था एम आई आर एन ए आर आई एस आई आर एन एम आई आर एन ए एंडोजिनस पाथवे के लिए एस आई आर एन ए एक्जोजिनस तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए स्मॉल इंटरफेयरिंग मतलब एस आई आर एन ए कितना न्यूक्लियोटाइड का है बीज बेसिस का है तो यही है ना सही ए आ गया एस si आई आर एन ए स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए माइक्रो आर एन ए स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए है ना इसका वीडियो मेरा पड़ा होगा हम आर एन ए इंटरफेरेंस का देख लीजिएगा दस पंद्रह मिनट में आर एन ए इंटरफेरेंस कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ कैरियोटाइप एनालिसिस डू नॉट इंक्लूड कैरियोटाइप एनालिसिस आप कर रहे हैं अगर तो उसमें क्या आप नहीं इंक्लूड करेंगे लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम कर सकते हैं ट्रांसलोकेशन हुआ है कि नहीं एन्यूप्लाइडी मतलब क्रोमोसोम कम है ज्यादा है लेकिन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म कहाँ कैरियोटाइप टाइप में स्प्लाइसिंग तो आपका क्या है आप कह सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत अंतर्गत आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आता है जिसमें स्प्लाइसिंग आता है जिसमें कैपिंग आता है इंट्रॉन के रिमूवल है ना और जिसमें टेलिंग आता है मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इज अ कंपोनेंट नॉट अमंग द वायरस एंड बैक्टीरिया इसमें से ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों में कॉमन नहीं है, है ना कॉमन नहीं है वायरस और बैक्टीरिया में कॉमन नहीं है डीएनए वायरस में भी है बैक्टीरिया में भी आर वायरस में भी हो सकता है बैक्टीरिया में भी प्रोटीन वायरस में भी हो सकता है बैक्टीरिया राइबोजोम नहीं है राइबोजोम बैक्टीरिया में है वायरस में नहीं है राइबोजोम सेवेंटी बैक्टीरिया में है वायरस में नहीं है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ स्पीसीज स्पीसीज के लिए क्या करेक्ट है स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था जो हमने आपको बताया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी और इनको डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी के नाम से जानते हैं और स्पीसीज क्या है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग मतलब जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके उसी को तो हम स्पीसीज कहते हैं क्या स्पीसीज ग्रुप ऑफ आर हैविंग वाइड डाइवर्सिटी क्या स्पीसीज की आपस में बहुत डाइवर्सिटी होगी भाई नहीं स्पीसीज सबसे लोअर टेक्जॉन से बिलोंग करते हैं स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू हाईस्ट टेक्जॉन सबसे लोएस्ट टेक्जॉन पे होता है स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड एंड ऑलवेज प्रोड्यूस इनफर्टाइल गलत है इंटरब्रीड करें और उनके ऑब्सवरिंग फर्टाइल होने चाहिए तभी हम उनको स्पीसीज कहेंगे है ना ठीक है हाइएस्ट एग्जॉन पे तो नहीं हाइस्ट एग्जॉन पे डोमेन आता है फिर उसके बाद सबसे लोएस्ट एग्जॉन जिसका एक आप कह सकते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो है स्पीसीज ना ही एक आप फिजिकल एग्जिस्टेंस डोमेंस डोमेन का है ना फाइलम का है फाइलम को किसी ने देखा है नहीं देखा है किसी ने किंगडम को देखा है नहीं देखा है किसी ने डिवीज़न को देखा है ऑर्डर को देखा है क्लास को देखा है जीनस को देखा है क्या कहते हैं फैमिली को देखा है नहीं देखा है लेकिन किसी ने स्पीसीज़ को देखा है कि पर्टिकुलर ये स्पीसीज है जैसे डॉग एक एक है है कैट जिसका रियल एग्जिस्टेंस है 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 वही ना ठीक है ठीक ड्यूरिंग सेल द कोहेसन कोहेसन क्या है तो हमने अभी बताया था कोहेसन दो क्रोमेटिड को आपस में साथ में लेके आना तो ब्रिंगिंग क्रोमेटिड टू द पोल्स ड्यूरिंग द एनाफेज नहीं कीपिंग द सिस्टर क्रोमेटिड कीपिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टूगेदर कोहेसन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ रखना इसी को क्रोमेटिड कहते हैं दोनों क्रोमेटिड को जो एक साथ रखता है इसको हम कोहेसन कहते हैं द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग सेम सिक्वेंस एज मैसेंजर आ रहे डीएनए के दो स्ट्रैंड बताए थे आपको एक था ये एक था ये फाइव टू थ्री जिसको कोडिंग कहते हैं थ्री टू फाइव जिसको टेम्पलेट कहते हैं बनता किससे है थ्री टू फाइव से तो इसके पास फाइट होती है जो आर बन रहा है उसका सेम सिक्वेंस किसके जैसा होता है कोडिंग के जैसा किसके जैसा सेम सिक्वेंस किसके जैसा है कोडिंग के जैसा है बस और बस ए और यू का टी और यू का फर्क है जहां पे थाइमिन है वहां यू रैसे होगा आर में है ना ठीक है तो ये सब तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द लिपिड एंड प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप याद करो हमने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सबसे खास बात क्या बताई थी सबसे खास बात बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये लिपिड बाय लिपिड बाइलेयर है इधर इंट्रा सेलर फ्लूड या साइटोसॉल है और इधर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड है हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट हमेशा या तो लिपिड से अटैच्ड या तो प्रोटीन से अटैच्ड और हमेशा एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड की तरफ होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं वो हमेशा ऑलिगोसेकराइड के फॉर्म में होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं देखो कोई सेल्लोज बता रहा है कोई तुक्का मार रहा है कैसे पढ़े हैं आप लोग भाई कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द यूनिक फीचर जो लिपिड से अटैच्ड है वो ग्लाइकोलिपिड और जो प्रो, प्रोटीन से अटैच्ड है वो ग्लाइको प्रोटीन और हमेशा एक्स्ट्रा सेलर फ्लेस की तरफ होगा कभी भी आपको कार्बोहाइड्रेट नीचे की तरफ देखने नहीं मिलेगा और दूसरा रीजन ये बताया था कि हमेशा ऑलिगोसेक्राइड के फॉर्म में होते कभी भी पॉलीसेक्राइड वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता तो सेल्लोज इज द ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेक्राइड फ्रक्टोज इज द मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कभी नहीं मिलते बस और ये, ये मेरे वर्ड है मेरे सेंटेंस है जो हम हमेशा बोलते रहते हैं हमेशा आपको बताते रहते हैं एक दो बार नहीं बताया दसों बार बताया होगा है कि नहीं बताइए तो हमने कहा ना कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि मेरे जो मेरी ज़ुबान से जो वर्ड निकलते हैं आपके क्लास के दौरान आपके टेस्ट सीरीज़ के दौरान वो समझ लो एक क्वेश्चन है और आप लोग इसको समझते नहीं हो वो समझ लो एक क्वेश्चन है हमारी हर हमारे नोट के एक एक लाइन एक क्वेश्चन होते हैं हमारे ज़ुबान से निकला एक एक सेंटेंस एक क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कभी या तो पूछा जाएगा या तो पूछा जा चुका होता है द मिडिल लेयर ऑफ रेटिना अब आप बताओ रेटिना की मिडिल लेयर सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर फिर बाइपोलर फिर गैंग्लियन तो मिडिल लेयर में क्या है बाइपोलर है मिडिल लेयर में क्या है गैंग्लियन बाइपोलर सेल्स है ठीक समझ आ गया ओके okay. आप देखो यहां पे कुछ नहीं देखना है कुछ नहीं देखना है यहां क्वेश्चन। कुछ नहीं देखना है यहां हमें पता है कि आप कुछ नहीं देखोगे एमंग द ऑफस्प्रिंग जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें पेरेंटल टाइप मतलब सबका हाइब्रिड क्रॉस है कराया गया पेरेंटल अस्सी परसेंट आया और रिकॉमेंट बीस परसेंट आया तो किस तरीके का रिजल्ट है ये? बस इतना समझो आप आप उस लेवल पे हो कि आपको बस एग्जाम देना है कॉन्सेप्ट तो आपने अच्छे से रट लिया है अच्छे से समझ लिया है जब हाइब्रिड क्रॉस हुआ लिंकेज का द ऑफस्प्रिंग 80 परसेंट टाइप, टाइप आया है और 20 परसेंट रिकॉम्बिनेंट आया है आप बताओ ये किस तरीके का है वेरी गुड क्या है ये इनकम्प्लीट लिंकेज है सभी के आंसर आ रहे हैं वर्षा सिंह समीक्षा यतेंद्र शाक्या पूनम सैनी गलत बता रचा सक्सेना वेरी गुड समीक्षा वर्मा नितिका सिंह इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हंड्रेड परसेंट पेरेंटल आता अरे सॉरी इनकम्प्लीट लिंकेज हंड्रेड परसेंट पेरेंटल आता तो कंप्लीट लिंकेज और अगर यहीं पे ये कंप्लीट लिंकेज ना देके आपको क्या देता मेल ड्रोसोफिला है ना मेल ड्रॉसोफिलास या फीमेल सिल्क मॉथ इसका एग्जाम्पल बताया था फीमेल सिल्क मॉथ देखो कितने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं फीमेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ में क्या है ठीक hmm. है तो कंप्लीट लिंकेज कहां पाया जाता है मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ में ये इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है किसका इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम जेनेटिक इक्विलिब्रियम को किसने एक्सप्लेन किया था हार्डी वेनबर्ग ने हार्डी वेनबर्ग ने अब देखना जरा हार्डी वेनबर्ग ने क्या बताया था नेचुरल सिलेक्शन होगा तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा माइग्रेशन होगा तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा नो माइग्रेशन नो जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो हो जाएगा लेकिन रैंडम मेटिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है रैंडम मेटिंग होनी चाहिए तब इक्विलिब्रियम रहेगा तो इक्विलिब्रियम के लिए रैंडम मेटिंग तो जरूरी है रैंडम मेटिंग होगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा और ऐसे रैंडम मेटिंग को क्या कहते हैं बताइए रैंडम मेटिंग को क्या कहा जाता है एक टर्म बताया था देखो 58 का वन कितना गलत बता रहे हो आप लोग हां सोचिए जरा मेरी बात को जेनेटिक इक्विलिब्रियम को नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा देर मे बी मस्ट बी नो नेचुरल सिलेक्शन मस्ट बी नो माइग्रेशन मस्ट बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट बट मस्ट बी रैंडम मेटिंग मेटिंग रैंडम को क्या कहते हैं ऐसी पॉपुलेशन जिसमें मेटिंग रैंडम हो उस पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है ऐसी पॉपुलेशन जिसमें मेटिंग रैंडम हो उस पॉपुलेशन को वेरी गुड तस्वंसारी ने बताया देखिए पैन मिक्टिक पॉपुलेशन क्या कहते हैं पैन मिक्टिक पॉपुलेशन बताया था पैन मिक्टिक पॉपुलेशन पैन मिक्टिक पॉपुलेशन किस नाम से जानते हैं पैन मिक्टिक पॉपुलेशन वेरी गुड चलिए और ह्यूमन बींग्स में कैसी मेटिंग है ह्यूमन बींग्स में कैसी मीटिंग है या चूजी मेटिंग है है ना रेंडम नहीं है चूजी मेटिंग चूजी मेटिंग अपना पार्टनर मतलब चूज करना इस तरीके की मेटिंग को क्या नाम देते हैं जल्दी से बताइए चूजी मेटिंग टाइप के पॉपुलेशन को क्या कहते हैं जहां पे चूजी मेटिंग हो ऑप्शन हो उस पॉपुलेशन को क्या कहते हैं देखते कितने लोग जवाब देते हैं देखते जवाब किसका पहले आता है और कितने लोग जवाब देते हैं हाँ शुभम मिश्रा चूजी मीटिंग हम तो बता ही रहे हैं उसका पर्टिकुलर नाम है कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाएगा किसी का नहीं आ रहा है जवाब के टाइप वर्षा सिंह कहाँ से बोल रहे हो फिर देखो अभी जितने के टाइप वाले आ गए अरे भाई इसको एक नाम दिया था सेक्सुअल सिलेक्शन और के टाइप हार्डी वेनबर्ग पढ़ाते टाइम भी बताया था के टाइप सब के सब ना एकदम नकलची हो सच बता रहे हैं क्योंकि के टाइप तो किसी को नहीं आना चाहिए एसार्टिव मेटिंग क्या कहते हैं इसको एस मेटिंग टिव सेलेक्शन सेक्शुअल सेलेक्शन इसको चलो ठीक है एक दो क्वेश्चन गलत होना चाहिए भाई तभी तो एहसास होगा ना कि हमें और पढ़ना है और पढ़ना है सब सही बताओगे तो फिर क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस प्री नेटल अब आप देखो ट्यूबेक्टॉमी एक ये तो भैया आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी एक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर ये तो हमने आपको बताया था <coughs> जब हम लोग एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में पढ़ते कोरियोनिक विलई सैम्पलिंग करेंगे और क्या करेंगे यस yes, मैम बताया था स्वाति पाहुने ने बताया चूजी मीटिंग एस आर टी मीटिंग यस yes, मैम बताया था तो बताया था तभी तो हमको याद है ना कि हमने बताया था है तो कोरियोनिक विलाई से ये तो ये तीनों तो रहने से है ठीक है तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हाई कैपिलैरिटी ऑफ वाटर हाई कैपिलरिटी ऑफ वाटर कैपिलैरिटी ऑफ वाटर के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी बताई थी आपको कैपिलैरिटी ऑफ वाटर जिसको ट्रांसपरेशन पुल थियोरी कहते हैं ट्रांसपेरेशन पुल थियोरी है ना एसेंट ऑफ सैप में डिक्सन एंड जॉली ने दिया था डिक्सन एंड जॉली तो क्या बताया था कोहेसन एडिशन और सरफेस टेंशन ये तीन चीज है लेकिन डिफ्यूजन जरूरी नहीं है डिफ्यूजन जरूरी नहीं है डिफ्यूजन तो नहीं बताना कोहेसन एडिशन और सरफेस टेंशन कोहेसन एडिशन देखो नवीन वर्मा कहाँ से आप बता रहे हो इतना गलत है ना नवीन वर्मा थोड़ा सा इतमान से पढ़िए है ना आराम से पढ़िए भागिए नहीं कोहेसन सरफेस टेंशन एडेशन ये तीनों तो था ही कोहेसन का मतलब वाटर का वाटर के साथ अट्रैक्ट अभी नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे तभी भी बताया था यहाँ वहां पे भी एक पेपर आया था एक बार एक क्वेश्चन वादा है मेरा कहीं देख लेंगे तो बता देंगे कि ये पेपर हमने ये क्वेश्चन हमने कराया था नीट के पेपर में था ना एडिशन पूछा गया था मतलब जाइलम वाटर का जाइलम की पोलर सरफेस से अट्रैक्शन वाटर का जाइलम की पोलर सरफेस से अट्रैक्शन है ना और सरफेस टेंशन का मतलब वाटर का लिक्विड फेज में ज्यादा अट्रैक्शन वाटर का लिक्विड फेज में ज्यादा अट्रैक्शन ठीक चलिए अगला क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज कॉज बाई डिफेक्ट इन डी रिपेयर आप बताओ डीएनए रिपेयर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको डीएनए रिपेयर का मेरा वीडियो हमने पब्लिक करवा दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आती है तो डीएनए रिपेयर का वीडियो हमने पब्लिक कराया है आप वहां पे देखिए कि हमने कई सारे डिसऑर्डर भी वहां पे डिस्कस किए हुए हैं उसमें से एक जीरो डरमा पिगमेंट भी है है ना स्किन डिसऑर्डर स्किन कैंसर जीरो डर्मा पिगमेंटोसा डीएनए रिपेयर में हम जब पढ़ा रहे थे वहीं पे हमने आपको बताया था इस डिसऑर्डर के बारे में और ये जो जीरो डर्मा पिगमेंटोसा है है उसका वीडियो पब्लिक मेरे नाम से देखिएगा रिपेयर और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दोनों एक साथ वीडियो है बताया है कि नहीं देखिए बहुत बार बताया है स्किन कैंसर है डीएनए में डैमेज की वजह से होता है बार बार बताया है है ना ठीक है और और क्या बताया है आप हमें हम मान जाएंगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो इसका इसका इनहेरिटेंस कैसा है हम मान जाएंगे कि आप पढ़ते हो इसका इनहेरिटेंस कैसा है एक्स लिंग लिंग वाई एक्स वाई लिंग क्या है हाँ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में हमने आपको इसके इसका, इसका एग्जाम्पल बताया था आप हमें बस इतना बताना कि इसका इनहेरिटेंस कैसा है एक्स लिंग लिंग वाई एक्स वाई लिंग कैसा है वेरी गुड एक्स वाई लिंक वेरी गुड क्या है एक्स वाई लिंक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ये एक्स वाई लिंग क्या बताया है एक्स वाई लिंगड ठीक है चलिए आगे देख लीजिए कार्पस कैलोसम फीचर ऑफ मैमल्स ओनली मैमल के ही ब्रेन का फीचर है मैमल के ब्रेन का तीन फीचर आपको बताया था एक तो कार्पस कैलोसम कॉन्स जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए है और कारपोरा क्वाड्री जमाइना बाकी सब में बाई जमाइना है तो ये क्या है जो फोर ब्रेन में सेरिब्रम में दोनों सेरिब्रम को जोड़ने वाला अ ट्रांसवर्स बैंड ऑफ व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिंग द सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों सेरिब्रम को जोड़ रहा है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन हा ठीक है क्या कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इसमें क्या सही है आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री टू द द्लेट बिल्कुल सही है क्योंकि कोडिंग फाइव टू थ्री है और टेम्पलेट थ्री टू फाइव है और थ्री टू फाइव से आर बन रहा है तो जो फाइव टू थ्री आर बना ये इसी टेम्पलेट के ही कॉम्प्लीमेंट्री है ना टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है सिग्मा फैक्टर टर्मिनेशन में नहीं इनिशिएशन में रोल प्ले करता है थ्री टू फाइव नहीं फाइव टू थ्री डायरेक्शन में बनता है आर एन एग्जैक्टली सिमिलर टू टेम्पलेट नहीं एग्जैक्टली सिमिलर टू कोडिंग एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ थाइमिन एंडसिल तो ये तो कोडिंग के लिए ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत कॉम्प्लीमेंट्री किसके है टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री वेरी गुड आप देखो क्या बात पूछा जा रहा है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री क्या बोल रहा है एकदम सही बात है ना चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं वेयर डज द कैल्शियम गेट अटैच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का मॉडिफिकेशन दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है ना अब ये कैल्शियम आयन निकलता है और किससे बाइंड करता है तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्टिन है ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन का तीन सब यूनिट बताया था टी पी आई टी सी आई तो सी सब यूनिट ट्रोपोनिन के ट्रीपीसी से बाइंड करता है तो किससे बाइंड करता है वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन के एक कंपोनेंट से बाइंड करता है और उसके सी सब यूनिट से बाइंड करता है सी सब यूनिट से बाइंड करता है क्रॉस ब्रिज गलत है फिलामेंटस फिलामेंटलोसिन या एक्टिव साइट गलत है वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वॉट इज द फॉलोइंग नॉट क्रैनियल बोन इसमें से क्रैनियल बोन कौन नहीं है भाई सीधे सीधे स्फिनॉइड इस है इसी में तो इसी का जो सेल्लाटर्सिका इसी का डिप्रेशन होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड टेम्पोरल है एथमॉइड है ठीक है जाइगोमेटिकायटिक चीक बोन है भाई मोस्ट प्रोमिनेंट बोन फेशियल बोन मोस्ट प्रोमिनेंट फेशियल बोन मोस्ट प्रोमिनेंट फेशियल बोन बार बार हमने आपसे आप, आप बताइए कि कितने लोगों को ये याद भी हो गया होगा कि मैम कहती हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जीआईसी में भी आया था कितने लोगों को ये याद भी हो गया होगा ये एक फेशियल बोन है है ना जाइगोमेटिक और क्या है हमने हमें पता है कि हम यही क्वेश्चन करा रहे थे तो हम ये पूछे भी थे तो तसवंसारी ने आंसर भी दिया था उस वक्त सबसे पहले ठीक है तो जाइगोमेटिक और क्या है ठीक है अब ये मत सोच लेना कि मैम यहाँ बायस तरीके से बता रहे हो या फिर बस किसी एक कि स्टूडेंट को फेवर कर रहे हो जिसका पहले आंसर आया था हमें याद है ठीक है तो जाइगोमेटिक और क्या है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में हालांकि नहीं होता लेकिन जाइगोमेटिक टर्म और कहाँ से रिलेटेड है वेरी गुड सलीवरी ग्लैंड किससे सलीवरी ग्लैंड ये सलीवरी ग्लैंड होती है लेकिन किसमें फोर्थ फोर्थ पेयर सलीवरी ग्लैंड होती है किसमें हर्बी वोर्ड्स में किसमें हर्बी वोर्स और कार्निवोर्स में जैसे कैट वगैरह में हमने बताया था फाइव पेयर एलिवरी ग्लैंड जो फिफ्थ पेयर है फिफ्थ पेयर उसको हमने क्या नाम दिया था बताइए जल्दी से फिफ्थ पेयर हमें पता है आप लोग बता देंगे हम बता दे रहे हैं मोलर ग्लैंड या इंफ्रा आर्बिटल मोलर ग्लैंड या इंफ्रा आर्बिटल इंफ्रा आर्बिटल मोलर ग्लैंड या फिर इंफ्रा आर्बिटल चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द डाई न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड अगर कह दिया तो ये डीएनए रेप्लीकेशन के दौरान होगा आर से इसका कोई लेना देना नहीं है तो कह रहा है हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए तो फॉर्मेशन करेगा तो गलत है टी आर कह दिया आर में तो हो DNA होगा ही नहीं डीएनए होगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एड होगा डीएनए में ये भी गलत है है ना इट इन कार्पोरेशन इन अ ग्रोइंग डीएनए चेन टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इसका यही सही है डाइडियक्सी डाइडियक्सी है ना तो जो डाइडियक्सी है इसमें क्वेश्चन तो सही है ना सिक्सटी सिक्स हाँ यही सही है डाइडियक्सी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर द फॉलोइंग हॉमोन प्ले रोल इन लैक्टेशन लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग टू यंग वन तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हो गया और प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन मिल्क सीक्रीशन या प्रोडक्शन के लिए फिर प्रोलेक्टिन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इन अ कैरियोटाइप स्टडी क्रोमोसोम इट वॉज ऑब्जर्व दैट ओनली वन कॉपी ऑफ ट्वेंटी क्रोमोसोम ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोमी इज रिसेंट केवल एक ही कॉपी दिख रहा है ट्वेंटी फर्स्ट का तो केवल एक कॉपी दिख रहा है मतलब आपको फोर्टी फाइव करना होगा है ना ट्वेंटी वन की केवल एक कॉपी दिख रही है मतलब फोर्टी सिक्स माइनस वन हो गया टू वन माइनस वन तो ये है क्या ये तो मोनोसोमी है ये क्या है मोनोसोमी ये तो है तो मोनोसोमी ना अच्छा आप बताओ ऐसा कुछ डिसऑर्डर है क्या जिसमें ट्वेंटी वन की एक ही कॉपी दिखेगी ऐसा कोई डिसऑर्डर है क्या जिसमें ट्वेंटी वन की एक कॉपी दिख रही है जल्दी से बताइए हमने आपको जेनेटिक्स पढ़ाते टाइम ऐसा कुछ बताया है जिसमें ट्वेंटी वन की एक ही कॉपी दिख रही है देखते हैं कोई बता पाता है ये कहां की बात चल रही है मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम में नहीं भैया टर्नर सिंड्रोम में नहीं वहां तो एक्स की एक दो कॉपी एक हमने आपको बताया था आपको याद है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम या रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन के बारे में याद है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम या रॉबर्टसनियन टाउनस डाउन सिंड्रोम दो बताया था आपको एक बताया था आपको डाउन सिंड्रोम आपका एक 21 की तीन कॉपी और एक रॉबर्टसनियन रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम बताया था याद आ रहा है चलिए छोड़ दीजिए उसको अभी चलिए आइए नेक्स्ट देखिए उसमें फोर्टीन और ट्वेंटी वन इन्वॉल्व होते हैं है ना ठीक चलिए यहां पे देखते हैं लेकिन फोर्टीन वहां पर डिजेनरेट हो जाता है वो डिसऑर्डर में ट्वेंटी वन की एक कॉपी नहीं थी लेकिन हाँ वो ट्वेंटी वन से रिलेटेड था चलिए एपिजोम क्या है एपिजोम की बात करते हैं ईपी जोम क्या है हमने कहा था कि अगर कभी प्लाज्मिड है और ये मेन जीनोम है प्लाज्मिड का प्लाज्मिड मेन जीनों में इंटीग्रेट हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं कहते हैं क्या कहते हैं तो बहुत अच्छे से बताया 14 एंड 21 के बीच में होता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम पांच परसेंट डाउन सिंड्रोम रॉबर्ट ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है ठीक है बिल्कुल सही है ना ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता कोलेस्ट्रॉल सीधे सीधे बार बार बताया है कि कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल का फीचर है कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है जब हमने आपको आप सोचिए मुझे इतनी खुशी होती है हमने आपको स्टेरॉल और स्टेरॉइड पढ़ाया था तो ऐसे हमने हेडिंग डलवाते थे इतने सारे चार्ट बनवाते हैं इस्टरॉल एक है कोलेस्टेरॉल है ना एक है साइटोस्टेरॉल या फाइटोस्टेरॉल ऐसे करके पढ़ाया था लिपिड में कितने लोगों को याद आ रहा है फाइटोस्टेरॉल या स्टिग्मा स्टेरॉल प्लांट में पाया जाता है एक है अर्गोस्टेरॉल अर्गोस्टेरॉल अर्गो, अर्गो फंजाई में पाया जाता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया में है ना कोलेस्ट्रॉल ओनली एनिमल में पाया जाता है ओनली एनिमल ऐसे लिखवाया है बताइए ये चार्ट याद है ये चार्ट याद है जब लिपिड का क्लासिफिकेशन करा रहे थे तो याद है ना फाइटोस्टेरॉल अर्गोस्टेरॉल फाइटोस्टेरॉल साइटोस्टेरॉल स्टिग्मा स्टेरॉल ये केवल ओनली प्लांट्स में होता है अर्गोस्टेरॉल एर्गोट फंजाई में देखने मिला है क्लेविसेप्स परप्यूरिया में तो इसीलिए कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस देख के कि मैम ने क्वेश्चंस कितने सटीक तरीके से लिखवाया है हर एक चीज है ना कि मतलब देखते से समझ आएगा भी कोलेस्ट्रॉल तो ओनली एनिमल लिखाया गया है तो बोला बैक्टीरिया में कहाँ होगा है ना तो ये चार्ट आपको याद है ना जी मैम के पी भास्कर ने बताया ठीक है चलिए आगे देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज इनकरेक्ट वाटर की प्रॉपर्टी हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन इज लो सबसे पहला ही ऑप्शन गलत वेपराइजेशन के लिए जो हीट चाहिए वो तो भाई

वाई गैलेक्टोसाइड परमिज के लिए और ए गैलेक्टोसाइड ट्रांसस्टाइलेज के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए सुपर क्वालिंग जैसे ही दिया कैसे रिमूव किया जाता है बाई एक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज टोपो आइसोमरेज तुमने आपको बताया था टोपो आइसोमरेज जो है वो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकेंड ठीक है ये <coughs> हमने बताया था सेकेंड को डीएनए एन भी कह देते हैं क्या कह देते हैं डीएनए एन सब याद रखना है ना डीएनए एन ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ आर एन एंड राइबोसोमल सब यूनिट देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है हम तो खुशी हो जाए ऐसे आपके यूपीटी एस टी एस टी भी आ जाए तो ठीक है ना तो देखिए क्या दिया है ट्वेंटी

फाइव एस लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो देखिए प्रोकैरियोट में सेवेंटी एस होता है सेवेंटी एस में हमने कहा था एक थर्टी एस हो गया और एक क्या हो गया फिफ्टी एस हो गया थर्टी एस में सिक्सटीन एस आर आर एन ए है और फिफ्टी एस में फाइव एस एंड ट्वेंटी थ्री एस ठीक इसी तरीके से जो एटी एस राइबोजोम है उसमें फोर्टी एस है और सिक्सटी एस है फोर्टी एस में आपका क्या हो जाएगा ट्वेंटी सॉरी एटीन एस हो जाएगा एटीन एस और यहाँ पे फाइव फाइव पॉइंट एट और ट्वेंटी एट एस आर आर एन ठीक है देख लो आप सी होगा हाँ क्लियर है ना हम्म ये पूरा चार्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन देख लेते देखिए द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट ट्वेल्व प्रेडिक्ट द नंबर यही पूछना ही था डिप्लॉयड टू एंड बारह है ये देखना होगा कि पूछा है कि नॉर्मल दिया है तो एनजियो निकालेंगे देगा तो एन निकालना होगा तो एन छोड़ एन निकालना है हमें तो 18 हो जाएगा 18. अगर एंडोस्पम जिम्नोस्पम का पूछता तो एन ही निकालते तब तो 6 ही होता समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे है ना ठीक है अगर जिम्नोस्पम और एनडोस्पम ऑफ जिम्नोस्पम दिया रहता एनजियोस्पम दिया है तो एनजियोस्पम दिया तो हमें थ्री एन निकालना है और अगर जिम्नोस्पम देता तो हेप्लॉयड निकालते हम ठीक है डन चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फाउंडर इफेक्ट फाउंडर प्रिंसिपल रेफर्स टू फाउंडर पॉपुलेशन किसको बताया था हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ाया था आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो कॉन्सेप्ट बताए थे दो इफेक्ट एक तो बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा फाउंडर तो फाउंडर में क्या बताया था स्प्रेडिंग ऑफ लार्जर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल अल्स टू एस्टेब्लिश यही सही है लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ निकल जा रहे हैं एक सेकेंड एडिशन ऑफ सम इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन

और तीन तीन दो का जिनो टाइप ये है दो का ये है दो का ये है ज़रूरी है कि यही यही निकल गए तो ए ए वाले आ गए लेकिन कैपिटल ए अलील तो इसमें नहीं है कैपिटल ए वाला अलील ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें हो मान लो यही दो निकल गए ये दो हस्बैंड वाइफ हैं समझ लो ये दो निकल गए तो इनके पास तो स्मॉल ए अलील है बी सही है ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सारे अलील ही हों और वो फिर नए एस्टप, पॉपुलेशन एस्टैब्लिश एस्टपलेश करेंगे समझ पा रहे हो आप हम क्या कह रहे हैं एकदम एग्जैक्टली exactly यही डायग्राम बना के बताया था नेचुरल सिलेक्शन होता तो अच्छे जीन सेलेक्ट करता हाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन बताया था नेचुरल सिलेक्शन अच्छे अलील सेलेक्ट करता लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि अच्छा वाला ही अलील सेलेक्ट हो यहां कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ये वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं यहां से निकल सकते हैं ये वाले भी निकल सकते हैं या ये तीनों निकल सकते हैं या ये दोनों रैंडम ठीक है क्लियर ओके डन

अदर देन कार्बोहाइड्रेट क्लियर देखिए आइडेंटिफाई इन करेक्टली मैज्ड इनकरेक्टली मैज आप समझ रहे हो किसी की मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि यहां पे इस वक्त इतना बेहतरीन सेशन के लिए 107 लोग देख रहे हैं जरूरत भी क्या है हजार दो हजार लोगों को देखने की सीट भी तो सौ है ना क्या जरूरत है हजार दो हजार लोगों को देखने की सौ लोग तो है ना, सौ लोग सीट ले जाएंगे ठीक है मतलब इतने व्यस्त हैं इंसान अपनी ज़िंदगी में कि जब वैकेंसी आज मतलब डेट अनाउंस हो जाएगा तब देखना कैसे रोएंगे देखना कैसे रोएंगे टी इम्फोसाइड एंटीबॉडी सिक्रिट करता है गलत एंटीबॉडी सिक्रिट करता है बी बी प्रोलीफरेट हो मेमोरी और प्लाज्मा बनाता बी में भी जो बी की प्लाज्मा सेल है वही एंटीबॉडी सिक्रेट करती यही गलत है बेसोफिल हिस्टामिन सिक्रेट करता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फेगोसाइटिक है बिल्कुल सही हिमांगी ठाकुर हाँ हेलो जी बताइए समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं ऐसे सेशन समझ ही नहीं आएंगे उनको ना जहां पे बातचीत होगी जहां पे तारीफ होगी दो चार बार अपनी तारीफ दो चार बार पता नहीं क्या वहाँ ऐसे सेशन अच्छे लगते हैं लोगों को ऐसे सेशन अच्छे ही नहीं लगेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस दो ढाई घंटे से पढ़ाया जा रहा है एमपी का भी सॉल्व करवा देंगे एमपी का पीजीटी का भी सॉल्व करवाना है तो एमपी पीजीटी का तो बहुत सॉल्व कराया है अगर आपके पास कुछ और है तो इसी नंबर पर भेज दीजिए ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन जहाँ पर दस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा वही सेशन अच्छे लगते हैं कोई भी चाहता है कि हम किसी भी स्टेट का पेपर सॉल्व कराएं तो ये ट्रिपल एट्स ट्रिपल एट सेवन वन नाइन नाइन सेवन टू नाइन वन पे भेज दीजिए वो पेपर चाहे वो जिस स्टेट का हो ठीक है द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है ना एक्सरे एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टेलोग्राफी है ना ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एक्स सी टू एक्सी टू अब हमने बार बार बताया है कि जो इन सी टू है और एक्सी टू इनसी टू में नेशनल पार्क है ना बायोस्फियर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है हॉट स्पॉट सेक्रेड ग्रुप्स सेक्रेड ग्रुप्स ये इनसी टू बताया था एक्सिटू में बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क क्रायोप्रिजर्वेशन ठीक है वाइल्ड लाइफ सफारी ओके टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर, हर्बेरियम एक्वेरियम तो आपका बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन का मतलब एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल तो इंक्रीजेज इन एलगल मास एल्गल बायोमास जितना ज्यादा एलगल बायोमास इंक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा यूट्रोफिकेशन होगा सीधी सी बात ठीक अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट फॉर द आस्टियोब्लास्ट सेल ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल बताया था हमने तो दीज आर फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ मेनी मोनोसाइड गलत है दीज सेल सिक्रीट इलास्टिन फाइबर गलत है मेनी आस्टियोसाइड आर फॉर्म फ्रॉम वन गलत है क्योंकि एक आस्टियोब्लास्ट है वो एक ऑस्टियोसाइड बना लेता है तो इसका ऑप्शन यही सही होगा दे सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स इन विच दीज सेल्स आर ट्रैप्ड यही होगा इसका आंसर सही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ सीड बियरिंग प्लांट जो मतलब सीड बियर क्या नहीं प्रेली रिड्यूस्ड ग ये तो होता है है ना क्वेश्चन नंबर एटी थ्री जल्दी से बताइए नॉन मोटाइल मिल गेमिट होता है भाई बिल्कुल सही इनका इली रिड्यूस्ड गेमिटोफिटिक जनरेशन बिल्कुल सही बात है नॉन मोटाइल मेल गेमिट बिल्कुल सही बात है गैमिटोफाइट नॉट डिपेंडेंट ऑन सो यही गलत है गेमिटोफाइट डिपेंडेंट होता है भाई है ना गैमिटोफाइट डिपेंडेंट होता है तो सी ऑप्शन एटी थ्री का सी ऑप्शन गलत है विड्रॉल सिंड्रोम यह तो हमें लगता है कि कितनी बार आप एक तो विड्रॉल मेथड uh, बताया था जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बताया था एजेकुलेशन से पहले पेनिस uh, को बाहर निकाल लेना ठीक है और दूसरा हमने विड्रॉल सिंड्रोम बताया था विड्रॉल सिंड्रोम कितने लोगों को याद है बताइए विड्रॉल सिंड्रोम क्या बताया था कब बताया था जब हमने आपको ड्रग पढ़ाया था विड्रॉल सिंड्रोम बताइए जल्दी से बताइए देखते हैं कितने लोगों को बताता सिम्टम्स कॉज्ड बाई द डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ एल्कोहल ड्रग आर सर्टेन मेडिकेशन बताइए हाँ विड्रॉल सिंड्रोम विड्रॉल सिम्टम जो था या विड्रॉल मेथड उसको क्वाइटस इंटरप्टस कहते थे वेरी गुड क्वाइटस इंटरप्टस कह रहे थे अतःर अंसारी बता रहे गुड क्या है यहाँ पे सिम्टम कॉज्ड बाय डिस मतलब जो लोग क्रॉनिक कर यूज करते हैं किसी भी नशे वाली पदार्थ का और उससे अगर उसको अचानक से छोड़ने बोला जाए तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इसी को कहते हैं है ना बहुत सीवियर सिम्टम भी हो सकते हैं तो सिम्टम्स कॉज्ड बाय डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एल्कोहल ड्रग आर सर्टेन मेडिकेशन चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ आर द टू स्ट्रेंड ऑफ पॉलिन्क्टाइड इन डी एन ए मॉलिक्यूल हेल्ड डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन ड्यूरिंग मैंट्रोल साइकिल तो मैंस्ट्रोल साइकिल का के दौरान एलएच हार्मोन का क्या रोल है इट शार्पली डिक्लाइन एट द टाइम ऑफ ओव्यशन गलत है भाई ओवेशन पे तो ये पीक पे होता है ठीक हां इट्सार्पली इंक्रीज टू इट्स पीक वैल्यू एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एल एच मेन ओविलेट्री हॉर्मोन है ना तो ये ओवुलेशन के दौरान इसका जो है लेवल पीक पे हो जाता है मेन ओवलेट्री हालांकि अगर ओव्युलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपसे पूछा जाए तो एफ एस एच और एल एच है बट मेन ओविलेट्री हॉर्मोन पूछा जाए मेन ओविलेट्री हॉर्मोन पूछा जाए तो एल एच ठीक है अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द रिलेशन टू वुड फॉर्मेशन वुड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है भाई वुड फॉर्मेशन वुड फॉर्मेशन हमने बताया था वुड फॉर्मेशन के लिए एनुअल रिंग्स बनना जरूरी है और एनुअल रिंग्स किसकी एक्टिविटी के वजह से होता है कॉर्क कैम्बियम या वस्कुलर कैम्बियम सॉरी वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से और वस्कुलर कैम्बियम क्या है एक लेटरल मेरिस्टम है तो वुड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ गलत वुड फॉर्मेशन रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम बिल्कुल सही बिल्कुल सही है वुड क्या है सेकेंडरी जाइलम है तो लेटरल मेरिस्टम की वजह से बनता है लेटरल में भी वेस्कुलर कैम्बियम ठीक चलो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलीचिटी एनलीडीज इनकरेक्ट क्या कह रहा है द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब सही है पैरापोडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लोकोमोशन दोनों के लिए एक्ट करता है नो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी सर्फेस डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड जनरली एबसेंट ये भी सही है तो आपसे कह रहा है कि इनकरेक्ट क्या है गैसियस एक्सचेंज स्किन से नहीं होता गैसियस एक्सचेंज स्किन से नहीं होता हमने बताया था आपको कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है केवल फ्रॉग में और अर्थवम uh, में है ना फ्रॉग में और अर्थवम में अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फाइलम विच हैज स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म तो एस खेलविंथीस स्यूडोसिलोमेट है स्यूडोसिलोमेट नेक्स्ट एमंग सी फोर प्लांट फास्फोइनॉल पायुर्वेद कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो पेपकेस पूछ रहा है फॉसफो इनऑल पावरेट कार्बॉक्सलेस पेपको या फिर इसी को पेपकेस कह देते हैं पेपकेस कह देते हैं तो ये तो मीसोफिल सेल में होता है यहीं पे पीपी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ऑक्जेलो एसिड बनाता है तो यहीं पेपकेस लगता है या पेपको कह लो तो ये किस में है मीसोफिल सेल में है ये किस में है मीजोफिल सेल में है है ना ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं है ना वेरी गुड चलिए कौन बंडल सीध बता रहा है भाई विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज की स्टोन स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट में की स्टोन स्पीसीज कौन है इंसेक्ट है कि डियर है कि ट्री है कि लॉयन है लॉयन है इसके नंबर भले कम है लेकिन ये पॉइनियर है सबकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है की स्टोन स्पीसीज कौन है लॉयन है ठीक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट होल्ड ट्रू फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट ये क्वेश्चन बार बार आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट मॉनिटरिंग द प्रिडेटर इंटरैक्शन विद अदर नेटिव स्पीसीज एनालिसिस ऑफ क्रॉप एंड द इकोसिस्टम अराउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैमेज टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म नॉट रिलीज ऑफ प्रिडेटर टू क्रॉप विदाउट इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट अरे भाई गलत है भाई बिना पेस्ट जब तक इन्फेस्ट नहीं कर रहा है तब तक आप प्रिडेटर को कैसे रिलीज कर सकते हो क्रॉप में क्रॉप में प्रेडेटर को तभी रिलीज करोगे जब पेस्ट इन्फेस्ट करेगा तब तो ठीक है ना तो ये गलत है ना बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट चलिए नेक्स्ट है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक इन द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होना चाहिए एंथोसियानिन गलत हीमोसियानिन गलत फाइको फाइको एरिथ्रीन रोडोफाइसी में फाइको एरेथ्रीन आर फाइको एरेथ्रीन आर फाइको सयानिन है ना तो रोडोफाइसी में क्या है फाइको एरेथ्रीन है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल नॉट अ पार्ट ऑफ सेमनीफेरेस टिब्यूल सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल का पार्ट कौन नहीं है देखो टिब्यूल में सर्टोली सेल भी है स्पर्मेटिड बनेगा उसी से जम सेल से और स्पर्मेटोगोनिया बनिया लेडिक सेल लेडिक सेल दो सेमनीफेरेस टिब्यूल के बीच में बताया था आपको है ना सेमनी फेरेस्ट्रिब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल से, सेल कहते हैं इसको तो यही नहीं है ये सेमनी फेरेस्ट्रिब्यूल के बीच में नहीं है दो सेमनी फेरेस्टिब्यूल के बीच में है लेडिक सेल लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल है ना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द सबस्ट्रेट रिएक्शन सबस्ट्रेट रिएक्शन डाई सबस्ट्रेट रिएक्शन यहाँ पे बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है दो सबस्ट्रेट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम विद ओनली वन सबस्ट्रेट नहीं गलत है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स गलत है साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन बोथ सबस्ट्रेट गलत है फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ना तीन कॉम्प्लेक्स साथ मतलब दो सबस्ट्रेट और एक एंजाइम बाई सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाई सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा दो तो सबस्ट्रेट और एक एंजाइम क्या बनेगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक चलिए अगला क्वेश्चन पिंग पोंग रिएक्शन पढ़ाया भी था आपको एक बार ध्यान दीजिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बायोलॉजिकल नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर के लिए यहाँ पे क्या गलत है नेम ऑफ जीनस स्टार्ट विथ कैपीलाइज इंग्लिश लेटर सही है टू कंपोनेंट जीनस स्पीसीज सही है जीनस एंड स्पीसीज इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं सही है देयर मे बी मेनी जीनस विद स्पीसीज गलत है मतलब एक एक स्पीसीज के कई जीनस नहीं हो सकते एक जीनस की कई स्पीसीज हो सकती हैं तो यही गलत है ना देयर में बी मेनी जीनस मेनी जीनस थोड़े होगा है ना मेनी जीनस विद इन स्पीसीज ये गलत है ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम लव एंड डब तो भाई लव और डब लव फर्स्ट हर्ड साउंड है थंब रूल बताया है फर्स्ट हर्ड साउंड और सेकेंड हर्ड साउंड तो फर्स्ट हर्ट साउंड ए वी वॉल्व के क्लोजर से ए वी वॉल्व बाइक स्पीड और ट्राईक स्पीड हो गया और ये एस एल वी के क्लोजर से तो क्लोजर ऑफ बाइक स्पीड मतलब मिट्रल एंड ट्राईक स्पीड लव एंड ओरटिक एंड सेमिलूनर ओरटिक एंड पल्मोनरी ओरटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के अंदर क्या है सेमिलूनर है ये भी ट्राईक स्पीड ही बताया था ये भी ट्राइक स्पीड था तो ये हो गया सही हो गया है ना हर्ट में कितने ट्राइक स्पीड वॉल्व हैं बताइए जल्दी से हमारे हार्ट में कितने ट्राइक स्पीड वॉल्व हैं हार्ट में कितने ट्राइकस्पिड वाल्व वॉल्व हैं जल्दी से बताइए जल्दी से हाउ मेनी ट्राइक स्पीड वॉल्व आर देयर ये रहा हार्ट देखो बना दिया है ना ये है राइट ए वी वॉल ट्राई का स्पीड वॉल्व लेफ्ट ए वी वॉल बाइक स्पीड वॉल्व पल्मोनरी ट्रंक एस एल बी वॉल सिस्टमिक ओरटा एस एल बी कितने हैं वेरी गुड थ्री वेरी गुड थ्री है ना जो एस एल बी है वो भी ट्राई का स्पीड है और ये इसको कट करके देखेंगे तो ये भी ट्राई का स्पीड है ये बस बाइक स्पीड

ऑफ टेरिडोफाइटा है यहाँ प्रोटोनिमा जेमी सब है गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा का गेमिटोफाइट है ये तो तो प्रोथैलस नहीं बनेगा ब्रायोफाइटा में ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन एकोमोडेट द लार्जेस्ट डीएनए इंसर्ट अब तो आप बता ही लोगे क्या बैक्टीरियोफेज़ या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल या प्लाजिट या कॉस्मिट सारे वैक्टर पढ़ाए हैं हमने कहा था सबसे ज़्यादा तो एम में है मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फिर वाई ए सी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फिर बी ए सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल तो इसमें बी ए सी ही दिया है तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं कितना सटीक तरीके से आपको सारी बातें बताई गई हैं सबसे ज़्यादा मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में उसके बाद ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में और फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में तो यहाँ पे कॉस्मिट फाज्मिट प्लाज्मिट दिया है उस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दिया है है ना ठीक है और लास्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्वाइन द टर्म वायरस हमें लगता है यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे अभी आपको पता है नई एन जो आई है उसमें वायरसेस का टर्म बदल के बिजरनिक दे दिया गया हम है हम लोग कहते हैं वायरस टर्म दिया था आ, इवानोवास्की ने लेकिन याद रखना वायरसेस का टर्म किसने दिया था टर्म वायरस बिजरनिक ने दिया है ये याद रखना टीएमवी की डिस्कवरी हालांकि इवानोवास्की ने की थी फर्स्ट वायरस टीएमवी लेकिन वायरस की जो टर्म दिया है वो बिजरनिक ने और इन्होंने ही कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये फ्रेज दिया था मतलब लिविंग ंग पॉइजनस फ्लूड तो ये रहे हमारे और आपके हंड्रेड क्वेश्चंस आप बताओ कैसा लगा कैसा लगा हाँ जेएसएससी के लिए आप लोग पूछ रहे तो जे जेएसएससी के लिए बार बार कहते हैं कि आपको रैंकर्स बैच लेना और बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज लेना है बस कोई भी बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले सकता है चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले सकता है फोर्टी टेस्ट आपके जो है वो बारह सौ रुपए में है इस वक्त है ना तो ये आपके रहे हंड्रेड क्वेश्चन उड़ीसा पीजीटी के लेकिन पेपर का लेवल तसवंसारी और स्पीड वेल्व नहीं होते हैं वो जस्ट एक नॉर्मल वेल्ब होता है अर्पिता बहरा देखिए अब कितना ही इतना बड़ा इतना वास्ट सिलेबस है आपका अब उसमें से दो तीन मॉडल पेपर से आपका चीज़ें कवर नहीं होंगी दो तीन मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे ऐसा नहीं कि हम मॉडल पेपर बना दिए और वही सारा क्वेश्चन आ गया है ना आपको पूरा ही पढ़ना होगा और ये क्या है ये जो सौ क्वेश्चन हमारे हमारे जो भी स्टूडेंट जो लोग भी हमसे पढ़ते हैं किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं अगर वो सौ क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं तो उन्होंने कम से कम साल भर अच्छे से पढ़ाई की है हमारे साथ है ना या तो कम से कम छः महीने तो पढ़ाई की ही है तब वो इतना सटीक तरीके से सवाल कर पा रहे हैं तो आप बस इतना समझिए है ना आप बस इतना समझिए कि पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए सिद्धार्थ सक्सेना अभी आप किसी भी एग्जामिनेशन की टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं बैचेस अवेलेबल है और जल्दी ही हम कोई न्यू बैच लॉन्च करेंगे क्योंकि देखिए टी स्टूडेंट हमारे पास लगातार एकेडमिक के लिए चाहे वो एमएससी में हो चाहे कहीं भी हो वो बैचेस की रिक्वायरमेंट उनको रहती है तो हमें बैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा तो थोड़ा वेट कर लेना कि कोई बैच अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर आपको चाहिए कि अभी आपको पढ़ना है तो आप सुप्रीम बैच ले सकते हैं मैम एम सेट का पेपर सॉल्व कराएंगी मैम देख लेते हैं थोड़ा ठीक है तो बस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को जितना भी हो सकता है जितनी डीप प्रिपरेशन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट होगा है ना तो आप लोग जाते जाते एक आ, मतलब कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के लास्ट में अपने आ, जो है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग की आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ ठीक है और इस सेशन से रिलेटेड तो बस यही समझिए कि आपको डीप स्टडी करनी होगी ठीक है डीप गा। स्टडी और टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा ज्यादा घास भूसा और चीजें नहीं पढ़नी है हर एक पॉइंट का मतलब समझना होगा ठीक है इतनी बात सभी को समझ आ रहा है चलिए ठीक है तो आप अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में बाकी मिलते हैं फिर अगले संडे को आज हमने संडे रिविज़न कराने बोला था आ, लेकिन आज क्योंकि इन लोगों का एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है तो हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो हम उसके वेवर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ठीक है हाँ हाँ सीमा कंवर के टेस्ट चल रहा है आप ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पर मैसेज कर दीजिए बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज़ तो आपको लिंक भेजेंगे आप ज्वाइन कर लीजिए आप वहाँ पे टेस्ट दे भी सकते हो ऑनलाइन पीडीएफ निकाल के ऑफलाइन देख सकते हो और फिर जो एक्सप्लेनेशन वीडियो डेली चल रहा है बीस टेस्ट का एक्सप्लानशन हो चुका है वो वीडियो भी आप देख सकते हो और इक्कीस से ज्वाइन भी कर सकते हो थैंक यू सो मच सभी को मैम पेपर अट्ठारह को है ठीक है बहुत अच्छी बात है ऑल द बेस्ट अच्छा करोगे आप लोग हमने बताया तो उस दिन क्लास में बोला तो था ना कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस क्या आएगा इस पर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना कमलेश्वर कुमार बिहार पीजीटी के लिए कौन सा बैच लें अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तब तो आप सुप्रीम बैच लीजिए फोर थाउजेंड का है अगर आपको डिटेल नहीं पढ़ना है मतलब डिटेल फिर भी है जो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ने हैं कम पैसे में पढ़ना है बहुत मतलब नॉर्मल एवरेज पढ़ना है तो फिर आप रैंकर्स बैच ले सकते हैं बाकी आप जो है बात कर लीजिएगा हेल्पलाइन पर बिहार पीजीटी का आप हमें सिलेबस सेंड कर दीजिएगा इसी नंबर पे ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पे जो नीचे सिलेबस जो नंबर दिया है उस पर अगर आप सिलेबस सेंड करेंगे तो आई विल सजेस्ट यू कि किस तरीके का क, 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 कौन सा बैच लेना होगा आपको चलिए ठीक है फिर मिलते हैं मैम गाइड प्लीज़ भूल जाते हैं पेपर के समय नहीं 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 एक ठंडी सांस लिया करिए आंखें बंद किया करिए सोचिए बहुत अच्छा करेंगे बस और कुछ भी मत सोचिए कि हम टॉप करेंगे या फेल होंगे कुछ सोचना ही नहीं है एग्जामिनेशन के टाइम ये तो भाई एक कॉमन सी बात है सभी को डर लगता ही है है ना तो कुछ भी नहीं सोचना है बस अपना अच्छा करना है बेस्ट करना है ठीक है अब तो आ ही गए हैं जंग के मैदान में या तो जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे लेकिन जीतने के लिए तो और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा है ना तो बस यही सोचना हमेशा यही सोचा करिए बस लाइफ एक एग्ज़ाम ही है चलिए ठीक है ओके ओके गुड नाइट सभी को गुड नाइट गुड नाइट